रहीम वालेकुम मैं हूं हैदर राजा हैदर और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्के हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव इंजल. आपके दिलों पर दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है ये सयाह रात हमारी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखती है कोई भी रात जो भी आती है परवरदिगार के हुक्म से पैगाम तो देती है इश्क का। लेकिन हमें एक लम्हे के लिए सोचने में भी, भी मजबूर कर देती है कि ज़िंदगी जिसने बनाई है हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता उसने बनाई है तो क्या मशरफ हम ये कहते हैं कि पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता कायनात में जितना कुछ भी है अल्लाह ने अगर हमारे लिए बनाया है तो कोई ना कोई मशरफ है पत्ता नहीं हिलता तो फिर हम क्यों हिले हम दुनिया में आए हैं बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में होते हैं कि यार जब दुनिया नहीं थी कायनात नहीं थी तो अल्लाह मियाँ क्या करता था और अल्लाह मियाँ को क्या ऐसी सूझी के कायनात बना ली है तो आप पूछ नहीं सकते उसे वो जवाब दे नहीं आपको लेकिन वो जवाब देता है हर उस सवाल का जो आपकी ज़िंदगी फलाह व बहबूद मोहब्बत तसवु रूहानियत फ़कीरी जिससे भी जुड़ी है हम लोग बड़ा मुश्किल बना देते हैं हर उस चीज़ को जिसको हम नहीं समझते जिस बंदे को जहाज़ उड़ाना नहीं आता वो जब आ, देखता है कि जहाँ पायलट बैठते हैं यार ये तो बहुत मुश्किल है इतने बटन ये कैसे इनको याद रहते होंगे क्योंकि आपने तालीम हासिल नहीं की इसलिए आपके लिए वो नामुमकिन के दर्जों में आता है लेकिन वो लोग जो कर चुके हैं वो रोज़ाना की फ़्लाइट लेते हैं वो आते हैं नॉर्मल होते हैं कॉफ़ी भी पी रहे हैं गपशप भी लगा रहे हैं जहाज़ भी उड़ाया और ख़त्म हो गया इसी तरह हर शोबे में चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर टीचर हर शोबे में बहुत आसानी है दुनिया का सबसे मुश्किल सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि आप पीएचडी डी कर रहे हो पीएचडी के अलावा आप मेडिकल पढ़ रहे हो बॉटनी पढ़ रहे हो कुछ भी पढ़ रहे हो आपको लगेगा ये याद नहीं होता लेकिन उसको भी याद कराने वाले वो प्रोफेसर प्रोफेसर भर्ती हुए तो वो पास हो के आए इसका मतलब हर चीज का एक लॉक खोलने के लिए चाबी जरूर अल्लाह ने बनाई है उसको आपने अगर ये डिक्लेयर कर दिया कि ये नामुमकिन है तो ये आपकी कमजोरी है उसका कोई मसला नहीं वो हर एक को अपने हिसाब से बराबर दे रहा है हां जब वो ये कहता है कि जिस जिस पे मैं एहसान करूं उनको हिदायत देता हूं बाजू का तो होता है कि हम चाह भी नहीं सकते जब तक वो ना चाहे ये याद रखना इस बात को कि हम ये चाहते हैं कि हम ये खाएं वो चाहता है कि आप ये खाएं इसीलिए हमारे अंदर ये चाहता ही ये मोहब्बत ये चाहत ये उनसीयत ये जो इश्क इलाही है उसको बाद में समझोगे पहले आप ये समझोगे बेसिकली मोहब्बत है क्या इसके जीने क्या है इंसान का इंसान के साथ मिलना फिर तखलीक इंसान का ये सर्कल चल जाना एक दूसरे को बर्दाश्त करना मोहब्बत करना आप एक अजनबी के साथ एक ही छत के नीचे एक ही बेडरूम में पूरी ज़िंदगी गुजार रहे होते हो जो जो नशेबो फराज आपके हैं वो भी उसी के चल रहे होते हैं यानी आपको भूखे हो आपको रोटी नहीं मिली तो घर में भी अफलास चल रही है भूख चल रही है कनेक्शन ये बना कि एक बंदे के साथ जो पूरी लाइफ में होना है उसके साथ जुड़े हुए किस किस इंसान के साथ भी ये होना तो भले ही आपका जो एक साइन कोई भी हो फ़र्क नहीं पड़ता आप लोगों के शब रोज उसी तरह गुजरते हैं और एक ये होता है कि एक बहुत बड़ी सी बोट है जिसमें आपने एक जगह से दूसरी जगह उस नाव में पार करनी है और उसमें हंड्रेड पीपल हैं और उनमें 99 वो हैं जिन पे अल्लाह नाराज है वो गुनाह कर रहे हैं वो पार्टी करके आ रहे हैं ड्रग्स लेकर आ रहे हैं डांस है दुनिया का हर क्राइम करके वो आ रहे हैं और उनको अल्लाह ने आज उस कश्ती में डुबोना है अब अल्लाह ये जानता है कि इनको डुबोना है लेकिन उस कश्ती में कोई एक फकीर या उसके इश्क में इतना आगे बढ़ा हुआ मैं ला कह लो गरीब सा जिसको किसी खाते में, में डाल रहे वो भी बैठा और हो सकता है वो मल्लाह हो जो चप्पू चलाने वाला वो ही हो कुछ भी हो सकता तो उन निनानवों में एक बंदा जो सौ नंबर पे होगा वो उन सब ननानवों को बचा लेगा क्योंकि वो अल्लाह का दोस्त है उसको अल्लाह बचाएगा तो कहेगा जा इसकी वजह से या इसके सदक़े तुझे भी माफ़ कर दिया इस कायनात को जितने भी क्राइम जितनी भी बुराइयाँ थी वो बचाने के लिए एक हस्ती को भेजा है और वो है नबी करीम सल्लाम सलाबाद पढ़ दीजिए अल्लाह सल मोहम्मद वाले मोहम्मद दरुदल मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जब आप भेजते हो तो आपकी ज़िंदियाँ रोशन होना शुरू हो जाती अगर सरकार इस कायनात में ना आते हमें रोशनी ना मिलती तो हम आज भी खुदा की कसम आज भी जिस जिस घर में बेटी पैदा होती है वो दफनाते जरूर क्योंकि हमारे बड़े वो होते वो जो अरब है या जहां भी हम जाहिल किस्म के लोग हैं तो हम यही कहते कि जी हमारे फला बुजुर्ग जो है फला खुदा को मानने वाले बेटियों को जिंदा दरगोर किया करते थे तो सरकार ने बताया कि बेटी क्या है खुद खड़ी होती थी रिसालत जनाब फातिमा के लिए बेटियों का क्या मकाम परवरदिगार ने कहा जिसके घर में एक बेटी आती है उसके घर में जन्नत का एक दरवाजा खुल जाता मतलब मामूली चीज नहीं है तुम्हें क्या चाहिए ठंडी हवा तुम्हें बहुत सारा धन दौलत चाहिए तुम्हें पैसा चाहिए ये ये सब रहमतें नहीं है ये मेरी नेमतें हैं जो तुझे दे रहा हूं ये भी खा रहा है नेमत है कभी कहा रोटी मेरी रहमत है वो रहमत से रोटी नहीं दे रहा है वो हर एक को दे रहा है जो उसको मान रहा है नहीं मान रहा वो आपको नेमत दे रहा लेकिन रहमत वो किसी किसी घर में उतारता तो बेटियों की तलब जो हुई वो फिर चेंज हुआ पूरी हिस्ट्री में और फिर बेटियों का वो मकाम के एक कबीले दूसरे कबीलों को जोड़ने के लिए भी निकाह का बंदोबस्त किया गया सो अल्लाह ताला ताला को अल्लाह ने एक चीज़ बना दी कि दुनिया में सबसे अच्छा जो रिलेशन है वो मोहब्बत का है एंड शादी का है यानी हम मोहब्बत करते हो किसी को पसंद करते हो भी शादी होती तो अर्श भी जगमगाता है कि ये ये मैं चाहता था लेकिन वहाँ पर भी एक फर्श जो समंदर पर बिछा होता है वो इबलीस का है वो भी चमकता है वो भी रोशन होता है वहाँ भी शादियाने बजते हैं वो क्या है जब जुदाई होती है तो अब एक तरफ जब मिलाप है और एक तरफ जुदाई है तो आप किसको जिता रहे हो आप किसके हवारी हो किसके चाहने वाले हो किसको महबूद मानते हो ये कहानी अलग है परवर दिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद को इस कायनात में भेज के हम सब के बुजुर्गों पे हम पे दुनिया जहां पर एहसान किया उन्होंने अपनी जिंदगियाँ जिस तरीके से कुर्बान की जिस तरह पेट पर पे पत्थर बांध के भी गुजारे किए अल्लाह तलावा अपने महबूब के लिए नहीं कर सकता था नो पर वो चाहते थे वो प्रूव नहीं करना चाहते थे अल्लाह ताला बस देख रहा है अल्लाह ताला तो मतलब जब जनाब मरियम को मनोसलवा दे सकता है खाने दे सकता है मुख्तलि पैगम्बरों को गैप से दे सकता है। हम जैसे लोगों को अभी भी बहुत सारे फकीर हैं जो दुनिया में हैं एक बाबा जी हैं नारोवाल के रहने वाले हैं उनसे मतलब वो नारोवाल के हैं लेकिन क्योंकि मुलाकात हमारी लाहौर में हुई थी इछड़ा एक जगह है लाहौर में तो वहां किसी के घर में किसी ने मुलाकात करवाई बड़ी पुरानी बात करा रहा हूं बुजुर्ग थे तो मैंने उस जैसा रोशन चेहरा किसी का देखा नहीं था मतलब बहुत होता है आ, यूसुफ अली बसरी नाम था उनका बसरा से आए हुए थे इसलिए बसरी आ, मतलब उनके जो बड़े थे तो यूसुफ अली साहब जो थे वो वाकई यूसुफ थे माता लाल मतलब दाढ़ी पूरी वाइट भमे भी वाइट तकबर क्या होता है उसके तेज से भी ना वाकफियत कूट कूट के भरी जिसमें कोई ड्रामेबाजी नहीं और वो आंखें झुका के रखते थे वो जिस वक्त अगर आप कहें सरकार आप हम पे एक नजर करम कर दें तो वो इस तरह आंख उठाते थे तो आप उस जलाल से या उस इश्क से जलाल उसके लिए जो परेशान होते हैं इश्क उनके लिए जो उनकी आंखों के उस शहर में खो जाए उस टाइप की बड़ी देवमालाई कहानियों में जैसे बुज़ुर्ग हम सुना करते थे तो वो थी शलवार कमीज़ ऊपर एक वेस्कट और एक काले रंग की चादर ऐसे करके वो गर्मी और सर्दी वो चादर उनके पास होती थी तो मेरी पहली मीटिंग जिसने करवाई थी उसने कहा सर आप बड़ा अदरवाइज तसव्वुफ वाले पर्सनल हो तो हम मैं एक बुज़ुर्ग है हमारे ये वो तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे मिलाया आपस की बात है तो उसमें से कोई नाइन्टी फेक है बुज़ुर्ग मैं बड़े बड़े लोगों से मिला हूँ जिनके बड़े उनको अपनी जायदादें भी दे चुके हैं मतलब ऐसे गोल्ड अलमारी से निकाल के उनके पाँव में डालते हैं और उनके वो जो खलीफा होते हैं वो उठा के आ, वो अपने डब्बों में डाल रहे होते हैं मैंने उन लोगों को भी देखा लेकिन ज़्यादातर फेक लोग होते हैं अभी भी हमारे मीडिया में कुछ बड़े बड़े सुपर स्टार्स हैं कहते हैं हम तो फ़ला बुजुर्ग को मतलब बुजुर्ग जो जिंदा हैं हमारे तो वो मुर्शद हैं हम जानते हैं और वो मुर्शद जो है वो किस टाइप के हैं वो तो आपको मतलब देगी हो तो आपको पता है कि कौन अच्छा कुक है कौन नहीं है तो कुछ लोग अपने बाप दादाओं के नाम को चमकाने के लिए उन्होंने दुकानें सजा ली हैं तो मैं किसी को हम बुरा भला नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं कि जनाब ये वाली जो चीज़ है ये बड़ी तकलीफ देती है तो वो बुज़ुर्ग थे मुलाकात हुई आ, मेरे वो जो दोस्त हैं जिन्होंने मिलवाया था आ, उन्होंने कहा कि ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं इनका नाम हैदर है और बस उन्होंने इशारा कर दिया रहन दे मैं ना दस तो उसने कहा कि आ, नहीं मैं बाबा जी से तारुफ करा रहा हूँ क्योंकि अच्छा बाबा जी का सिर्फ दुआएं उन्होंने ली थी अब एक बात समझा रहा हूँ आप जितनी चाहत वाले हो या जितनी इल्म वाले हो ये अल्लाह वाले उतना ही खुलेंगे आपके ऊपर ये राज है राज़ इला ही होते हैं ये उतना ही खुलेंगे जितनी आपकी कैपेसिटी है वो ज़रा सादे से थे बहुत मतलब बहुत पढ़े लिखे नहीं थे जो मेरे दोस्त थे तो वो यही करता था दुआ कर दें बाबा जी बाबा जी ने बस दुआ कर दी उनके तो मतलब वारे न्यारे लेकिन बाबा जी से कभी कोई ऐसी बात कि आप कैसे आप कैसे उसने कहा तू रहन दे उसने कहा नहीं मैं तो सिर्फ तारुफ़ करा सर जी बाबा जी ये मेरा दोस्त है कह रहे तू हूं तारुफ़ करा रहे हैं तो मेरी इन्होंने दोस्ती बड़ी पुरानी है तो मैंने कहा अच्छा जी हम आ, मैं तो पहली दफा मिल रहा हूँ तो मुझे कहा नहीं नहीं मिले तो हम हैं लेकिन आप अब शायद याद नहीं आ रहा आपकी यादाश्त बड़ी कमज़ोर है और इस रस्ते में यादाश्त बड़ी मैटर करती है ये पहला लफ्ज़ था जो पंजाबी के बाद उर्दू और उर्दू में इंग्लिश का फिट आया तो मैंने कहा आप तो बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं कहाँ से उन्होंने कहा बसरा से है हमारे जो बुज़ुर्ग हैं मैंने कहा अच्छा लेकिन हम कब मिले मेरा अगला फ़ौरन सवाल था हम कब मिले ज़िंदगी में अगर आप किसी को पहली दफ़ा देख रहे हो और आपका ये सवाल होता है तो मुझे कहा आ, बड़ा छोटा सवाल किया है तुमने आंखें बंद करो अभी बताता हूं जिंदगी में अगर आप किसी को देखते हो आंखों से खाब से नींद में बहुत सारे जरिए होते हैं देखने के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है आप इस तरह से देखते हो कहीं मेल मुलाकात बिलमुशाफा किसी से हो जाए आप उसको देख रहे होते हो तो मुझे बड़ा अजीब लगा ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने आंखें बंद की उन्होंने कहा अब दिल में पढ़ो एक दो मैंने कहा एक दो कहा तीन चार अब मैं दिल में पढ़ो जबान में नहीं तीन चार और कहा पांच कह के आंखें खोलने की कोशिश करना बेटा मैंने कहा पांच और मुझे कहते अब आंखें खोल अब यकीन करो कि पांच के बाद मेरी पलक उठ नहीं रही ऐसे कि जैसे जबरदस्ती किसी ने ऐसे हाथ रख दी कि तू उठा के दिखा बहुत आप अपने हाथों से बंद कर लो नहीं खुलेगी बहुत तकलीफ थी अब वो जिस वक्त मुझे लगा कि मेरी पलक नहीं उठ रही उस वक्त मैं मतलब बहुत छोटे वाला राजा हैदर जो एज कम है वो एक बंदे के पास खड़ा है फ्लैशबैक समझते हो आप फ्लैशबैक टिक टिक, टिक 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 आपका माजी रोजे हशर हमारा फ्लैशबैक चलेगा एक सेकंड में हमारे माजी को पूरा दिखाया जाएगा यार ये कौन हो एमी चौधरी प्लीज सब रिपोर्ट करो यार रिपोर्ट करो ये बेचारी जैन भी उनको किए जा रहे एमी क्या मसला है यार कौन हो तुम बार बार यहां पे मतलब वो मैसेज लिखे जा रहे हो और वो डिलीट किए जा रहे हैं प्लीज साइबर क्राइम में रिपोर्ट करो यार जितने भी देखने वाले हो ये एमी चौधरी के नाम पे और इनको घर तक छोड़ गया पता नहीं क्या लिखे जा रहे हो यार हम तो बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं सबको हम क्या बात कर रहे हैं आप बीच में अपनी लुच्च तल लो यार तो प्लीज रिपोर्ट कर दीजिए आप लोगों से गुजारिश है एमी अगर हलाली माँ पे होता बच्चा या बच्ची है तो हम दोबारा ना आई थे ठीक है अभी नहीं आना इधर हुआ ये कि जब आप आंखें बंद करते हो फ्लैशबैक रोजे हशरत चलेगा हमने जो भी क्राइम किए हैं या अच्छी चीजें की हैं तो वो सबके सामने दिखाए जाएंगे और उसमें आपके पास टाइम ही टाइम है क्योंकि आपने नौकरी पे नहीं जाना आप थकोगे नहीं कुछ भी नहीं होगा बस आपको नजर आएगा और वो एक सेकंड में पूरी जिंदगी जीना जो मैं जीता हूं एक सेकंड में पूरी जिंदगी जीने वाले कैफियत होगी मैं हमेशा कहता हूँ ना एक दिन की जिंदगी जियो एक दिन बहुत ज्यादा है लेकिन दिन समझ आता है पल समझ नहीं आता वरना मैं एक पल में जिंदगी जीने वाला बंदा हूं कि जियो दुख है गम है जियो आप लोगों को क्या करना है तो वो मेरे सामने वो सारा कि मैं छोटा हूँ ये हो रहा है किसी आदमी से मैं चीज़ ले रहा हूँ और वो खनचे समझते हो जो नान खतई टाइप के गली में लेकर आते हैं मैं उसके पास खड़ा हूँ और फिर मैं भाग रहा हूँ एक साइकिल की दुकान पे हूँ मैं उसको पैसे दे रहा हूँ बूढ़ा सा आदमी है मतलब बहुत बूढ़ा नहीं है लेकिन बूढ़ा सा आदमी है वो मुझे साइकिल देखे वो मुझे ऐसे ऐसे कर रहा है कि इधर से जाना इधर ये फ्लैशेज़ हैं तो मुझे कुछ सात आठ डिफरेंट और ये मैं बड़ा हुआ तो आखिरी बार जिस जगह मैं मतलब आया हूँ वहाँ पे मैं मतलब बाजरा इस तरह ये आंख बंद है ये मेरी आवाज़ आ रही है कान से लेकिन मेरा फोकस सिर्फ उस पर है कि ये फ्रेम्स क्या गुजरे हैं ये मैंने बाजरा फेंका है और जिस जगह मैंने बाजरा फेंका है तो कोई मुझे ऐसे कर रहा है कि पानी भी रख दो इशारा किया बस तो ये ख़त्म हुआ मेरी आँख खुली सिर्फ आंसू निकले मेरी आँख से ऐसे जैसे ड्रॉप आप डालते हो मुझे बड़ा अजीब लगा मैंने कहा ये कौन सा इलम है ये क्या था और ये मैं क्या देख रहा हूं मुझे तो ये ये मतलब मैं ही हूं लेकिन ये क्या था सब कह रहे जितनी चीजें तुमने देखी है ना पुत्र अब मैंने क्या देखा मैं उनको बता नहीं रहा हूं जितनी चीजें तुमने देखी है ना पुत्र यहां यहां मैं था अब आप एक बात को समझो इस बात को कंटिन्यू करता हूं कि जब हम जिंदगी में बचपन से लेकर जवानी तक जो जो हमारी जिंदगी में हो रहा है कब कब कौन रब का सफ़ीर बन के आता है उसका सिपाही बन के आता है और आप उसको देखते हो आपको पता ही नहीं होता कि क्या है समझ आई आपको आपको समझ ही नहीं आती है कि वो ज़िंदगी में हमारी कौन है यार हम लोग आए हैं हमने देखा है और हम चले गए मुझे ये कहा कि यही ये, ये चीज़ वहां पे था मैं वहां पे भी था मैं साइकिल वाला भी था मैं पूछे वाला भी था ये पहली दफ़ा थी मेरी मतलब मेरी लाइफ में कम उम्र में पहली दफ़ा थी कि मैंने किसी के घुटनों को हाथ लगा के अपने सीने पर लगाया मैंने कहा ये जादू नहीं है ये मौजा नहीं है ये करिश्मा नहीं है लेकिन मैं आज जाना हूं कि बगैर इल्म के और वो उसका अता करदा इल्म जो है तालीम के नहीं हम लोग तसवुफ़ की तालीम हासिल करने वाले लोगों में तालीम तालीम जानते हो आप तालीम हासिल करते हो डॉक्टरी की इंजीनियरिंग की टीचर बन रहे हो तो तालीम हासिल कर रहे हो बड़ा बनना है तो आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में तालीम इल्म नहीं हासिल करते वो कहता है इल्म हासिल करो माँ की गोद से लहद तक अब इल्म हासिल करने के लिए आपको डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना है तो इल्म आता है तालीम कोशिश है तो वो जो इल्म है उनके पास ये कौन सा इल्म है वो गैप तो है नहीं वो मुझे दिखा रहा वो और वो मुझे ये बता रहा है कि ये युवा अच्छा वो जो आदमी है वो इतनी देर में जब चाय लेने के लिए गया और हमारी ये गुफ्तु हुई मतलब उठ के गया मेरी बुरी हालत मेरी दिल की धड़कन काबू में नहीं आ रही थी मतलब अजीब सा है फिर उन्होंने मुझे कहा मुझे कहा बहुत गीली है लकड़ी तुम्हारे वजूद की को गीली है। यूसुफ गीली क्यों है तो यूसुफ साहब ने कहा कि अभी इश्कहा और भी हैं। मैंने कहा देखिए मैंने बहुत कुछ किया उन्होंने कहा स्टॉप मैं तुमसे तुम्हारी डिटेल या जन्म कुंडली नहीं जान रहा कि तुमने क्या क्या किया मुझे मत बताओ तुमने तेरह चिल्ले किए तुमने ये किए तुम्हारे दाद मतलब एक बंदा पहली दफा मिल के और वो आंखें नीचे हैं आंखें नीचे किसी वक्त उठती थी लेकिन मुझे खौफ नहीं आता था मुझे अच्छा लगता था बड़ी आंखें यहाँ तक कि कुछ कुछ पलकों के बाल भी जुफैद जैसे आप समझ रहे हो किस तरह का नक्शा खींच रहा हूँ ऐसे बुजुर्ग आपने जिंदगी में देखे और ये बताया कि ये हुआ मैंने कहा कहाँ कमी है उससे कहा बहुत कमी है सफ़र लंबा है तेरे पास ज्यादा माल नहीं है ले जाने के लिए लेकर जाना है तो ये ये और ये चाहिए मैंने कहा ये कैसे होगा ये जो आप हो कह ये भी हो, ये भी हो जाता है मैंने कहा कैसे कह रहे ताल्लुकात हैं तुम्हारे माशरे में मैंने कहा हाँ लोग मुझसे ये करते हैं मेरे अबू की वजह से भी मेरी वजह से भी लोग जानते हैं ना 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 मैं लोगों की गाल ही नहीं कर रहा हैं माशरे में मैंने कहा ही है ये कह रहे हैं तुम्हारे लिए तुम्हारा माशरा ये है मुझसे पूछो मेरा ताल्लुक मेरे मुआरे में कैसा वो ऊपर है वो दुनिया का नहीं तो मैंने कहा आप तो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान जैसे लग रहे हैं आप मैं आज ही इतनी भरी है आपको तो ऐसा होना चाहिए था जॉब बच्चा तुझे माफ किया बहुत हंसे खिल के ला कह रहे पहली दफा कोई मेरे सामने इतना बेबाक बोला है ओ मेरे जैसा ही कोई हो सकता है तभी बोल है मैंने कहा जी मैं बिल्कुल भी नहीं हूं मुझे तो इसमें से बस ये पता मुझे कह रहे चल तू मेरा जायचा बना मैंने कहा बोलिए अजलील कर रहे हैं क्या नहीं तू मेरा जायचा ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ कि कोई अल्लाह वाला और मुझे कह रहा है कि तू मेरा जायचा बना आवाज़ दी राशि वो राशिद भट्ट साहब से वो राशिद भट्ट वो कागज़ वागज़ बच्ची का कोई रजिस्टर था मुझे आज भी याद <laughs> है माशरती कैद था कोई कागज़ दूसरा लेके आ वो बाहर गया उसने बीच में से सफ़े पाड़े अब हमें नहीं पता वो होता है ना जहाँ धागा लगा होता है के उसमें से उसने कुछ दो चार सफ़े फाड़े और पहले क्या है जी कागज लेके आ रहा कुड़ी दा तू रजिस्टर फाड़ के ले मतलब पता ही इतना शार्प और इतना डीप आदमी वो माफी दे दो जी मैं कागज कितों लेके आ वो इस तरह का वो बना मुझे कहा चल बना जाए पहले मैं जब ये इंटरनेट या ये कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर आईटी आई के नहीं होते थे वेरेबल कंप्यूटर नहीं होते थे तो मेरे दादा परदादा बाबा सब लोग हम लोग हाथ से ही बनाते हैं अभी भी मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता जमा तफरी करनी है आपने नाम लेना है अदद निकालने खैर मैंने उनका कहा कि नाम वगैरह जो उन्होंने बताया सारा ये मेरी अम्मीद नाफिला मैंने जायचा बनाना शुरू किया और वो देख नहीं रहे मैंने जायचा बनाया तो मैंने कहा जी ये तैयार हो गया तो मुझे कहते हैं दस मैनू मैंने मैंने कहा ये तो अभी आपको मैं पढ़ के बताऊंगा ये क्या कह रहे नहीं नहीं दस मैनू और हाथ अपना ऐसे जैसे स्कैनर होता है ऐसे करके फेरा और मुझे कहते है, अच्छा तो ए मेरी जिंदगी मैंने कहा लेकिन आपने सुना नहीं कह अरे पुत्र ये दूसरा इल्म है जिसे मतलब ये वो सेकेंड इल्म है जिसमें जबान नहीं बोलती है जिसमें अल्फाज बोलते हैं या खामोशी बोलती है कभी कभी ये होता है दो लोग बैठे हैं एक दूसरे को देख रहे हैं आपके कनेक्शन मिले तार मिली इनविजिबल रोप तार रस्सी ये जो सेल फोन है ये एक, तार तो है, एक शुआ तो है कोई रोशनी तो है जो सेटेलाइट के साथ कनेक्ट है और हम कहीं भी जाएं बात भी हो रही है कोई तार नहीं पहले जमाने में तार होती थी ये जिद्दत है लेकिन वहां जदीद चल रहा है सब कुछ कि आप देखते हो और काम हो रहा है आप देख रहे हो और आप मैसेज दे रहे हो एक दूसरे को जिसको आप आम जबान में दुनियावी जबान में तेलीपेथी कहते हैं फरहाद अली तैमूर की कहानियां पढ़ते थे उसने भी इसी तसव्फ़ को बेस बना के कहानी आगे लिख दी थी वो मैसेज गया दिमाग से दिमाग से दिमाग का ताल्लुक किसी को शिद्दत से याद करो यार आज जाओ मैं अचानक उसका फोन हैरान होते है। हो यार मैं तुम्हें ही याद कर रहा था ये वो कम्युनिकेशन है जो आपके अंदर है लेकिन आप उसको एक्टिव नहीं करते हो वो मैसेजेस देने वाले उन्होंने वो सब कुछ बताया जो वहां लिखा था और एक एक हर के नौ पे तुमने तकसीम किया इसका ये ना 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 मैंने कहा आप इलम पढ़े हो कह रहे नहीं तो मैंने कहा ये फिर कैसे आया तो तसवु तो समझ आ आया उन्होंने कहा मुख्तसर ये कि जब तुम उसके दोस्त बन जाते हो तो वो तुम्हें इतने इनाम दे रहा होता है जो तुम डिजर्व भी नहीं करते हो तुम कहते हो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन उसको जरूरत है ताकि वो किसी ऐसे जाहिल के सामने बैठ के गुफ्तगु ना करे कि कोई उससे पूछे कि अच्छा बता अल्लाह पहले कहाँ रहता था और आपके पास इसका जवाब ही ना हो और आप कहेंगे अल्लाह कैसे आया कुछ तो होगा समझ आ रही है आपको मेरी बात थोड़ा मुश्किल है ये वाला जो इंसिडेंट है इसने मेरी जिंदगी को बहुत चेंज किया बहुत कुछ जो बहुत सीक्रेट्स होते हैं जो आप लोगों तक पहुंचना ज़रूरी नहीं बातचीत जब हुई मैंने एक चीज़ लर्न की कि जब इश्क आपका सच्चा होता है तो किसी ना किसी तक आप पहुंचते ज़रूर हो बहाना कोई भी बने कभी वो दर्द दे देगा रिश्ते ख़त्म कर देगा आप उस बंदे तक घूम फिर के पहुंचोगे हादसा हो जाएगा आप डॉक्टर के पास जाओगे डॉक्टर ही या डॉक्टर के पास कोई मरीज या टैक्सी में या जहाँ से दवाई ले रहे हो वो वो कौन है आजकल की नफसा नफसी के आलम में कोई भी कुछ भी नहीं है ये बहुत आम सी दुनिया है यहाँ पे आप हर एक को देखोगे लिबास ड्रेसिंग सेट डिज़ाइनिंग सबकी वैसी है लेकिन कौन कितना बड़ा कलंदर है समंदर से अंदर जाने के बाद ही अंदाजा होगा और ये एक समंदर है मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वालों को एक ख़ास करम दिया जाता है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इस इसलूम के सिर्फ़ एक, एक इल्म के नहीं के इस्लाम क्या है इस्लाम तो आपको भी पता है क्या है तो फिर क्या कमाल हुआ सरकार का सरकार कायनात के जो सेवेंटी थाउजेंडलूम है सत्तर हज़ार लूम है उनको पता है लैंग्वेज तसवफ तो बड़ी छोटी सी चीज़ हो जाती है उड़ के जानना आना सब पता वो हमारे जैसे नहीं हैं हम जैसों में नाजिल हुए आए आप सोचो कुरान नाजिल होना कितनी मुकदस चीज है कि उसका एक हर भी जमीन पे आप नहीं फेंक सकते हो कुरान उनके दिल में नाजिल हुआ तो वो क्या हस्ती होंगी मोहम्मद अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ पे नाजिल कर देते तो वो रेजा रेजा हो जाता तो सोचो उस कुरान की कितनी वैल्यू है तो जो कल मोहम्मद पर नाजिल हुआ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा तो कुरान के लिए एजाज है क्योंकि एक डायरी है अल्लाह की कुरान इज द बेसिकली डायरी कि ये तुम्हारे अंदर में डाल रहा हूँ लोगों को बता दे ये तेरे लिए मतलब मोहम्मद के लिए तो है ही नहीं ना वो तो है ही ताहिर पाकिजाम आसमानों पर रहने वाले नूर नूर कहाँ गलती कर सकता है हम जैसों के लिए कि ये ऊने के लिए हिदायत है लेकिन वो चलता फिरता कुरान कुरान नातिक की अगर बात करो इस पर हम किसी और दिन बड़ी डिटेल बात करेंगे तो हमारे पास उलूम के जो भी चीज़ें आती हैं हम थोड़ा सा किसी के पास डॉक्ट्रिएट की डिग्री आ गई कोई मिनिस्टर बन गया कोई एक्टर बन गया कोई सिंगर बन गया कोई बैंकर बन गया छोटी सी गाड़ी ले ली वो पहले वाली टोर और उसकी बॉडी लैंग्वेज में बड़ा फर्क आएगा माँ बाप से मिलेगा तो उसकी ऐसी ऐसी बॉडी चल रही होती है इन चीज़ों से बचना है यार इन चीज़ों से बहुत बचना वो बड़ा माला माल करेगा आज का प्रोग्राम जो है ये आप लोगों के सवालत पे बेस करता है गपशप है इसमें एक एक करके मैं सबके सवाल जो भी आ रहे हैं मेरे सामने मैं वो लूंगा उस पर बातचीत करते हैं बहुत कुछ भी पूछ सकते हो आप लेकिन वो डेट ऑफ़ बर्थ वाला सिलसिला मत करना कि मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है तो प्लीज़ मुझे बताइए मिस अमरीन थैंक यू वेरी मच आपने सुपर चैट किया है आपका बहुत शुक्रिया सितारा केसी ने अमेरिका से ट्वेंटी डॉलर भेजे हैं सुपर स्टिकर के थैंक यू फॉर बींग यू बहुत शुक्रिया एक नाशपाती है एक अंडे को उठा के ऐसे ऐसे घुमा रही है अगर आपने स्टिकर देखा है तो थैंक यू ब्यूटीफुल है ये मैंने पहली दफ़ा देखा ये वाला स्टिकर थैंक यू सलामत रहिए आप अल्लाह लंबी उम्र अता करे आप दोनों को बल्कि तीनों को एक और भी सुपर चैट थी अल्लाह कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे अपने खज़ाने से बेहिसाब दे आप हमेशा लुटाते फिरो उसके बंदों के लिए लोगों के लिए और जितने भी आपके अरमान हैं वो कल का सूरज निकलते ही पूरे हो जाएँ आपके सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ करें थैंक यू और थैंक यू उनके लिए जो हमारी टीम है जो हमारी ब्लू टीम है आ, इन सब के लिए बहुत शुक्रिया आप सब असम हो जो हमारा खान गैंग के सारे लीडर्स हैं और जैनब जी अली बहुत शुक्रिया जैनब आपने फाइव पाउंड यू से भेजे हैं भाई मैसेज में गड़बड़ है आ, शो नहीं हो रहा कुछ लोगों का आ, अच्छा कु, कुछ लोगों का शो नहीं हो रहा देखो वो यूट्यूब में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं कि वो क्यों हो रहा है क्योंकि बार बार, बार बाज़ात मुझे भी यहाँ मैसेज बार बार आ रहे हैं तो जिसको मैं एक ही मैसेज आपके रिपीट हो हो के भी आ रहे हैं सर लोगों को मैसेज शो नहीं हो रहे रूबी मैमेश रोह भाई और बहुत से लोगों को प्लीज़ चेक नहीं मैं अभी कैसे चेक करूँ मैं तो लाइव हूँ ये तो आप अपना फोन ऑफ़ करके दोबारा से ऑन करो या यूट्यूब को आप आ आउट करके फिर से दोबारा आओ क्योंकि अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो फिर हर किसी को भी नज़र आनी चाहिए लेकिन यूट्यूब की कोई टीम होगी जिसमें से ये हो रहा है शफरीन वरना मैं ज़रूर करता मेरे मेरे भी यहाँ पे सिस्टम में भी जो चीज़ें आ रही हैं ना वो बार बार रिपीट भी हो रहे हैं कुछ मैसेजेस मतलब वो जो नॉर्मल नहीं होते आप लोगों की जो सुपर चैट है वो भी ऊपर आती है और जाती है तो इसके लिए मैं कोशिश अभी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि लाइव हूँ उसके लिए मुझे शो ऑफ करना है फिर जाके उसकी सेटिंग में देखना होगा लेकिन ये रोज़ाना की रूटीन वाला है तो आप लोग अपने अपने फ़ोन को ऑफ करो फिर एक मिनट के बाद दोबारा से ऑन कर दो ठीक है जी चलिए अब आपके सवालों की तरफ आते हैं सबके नाम जो जो मेरे सामने आएंगे उनका ले लेंगे जी अब्दुल्ला गिमर्स थैंक यू जी बहुत शुक्रिया आयत आयत हैं यूट्यूब से नहीं हो रहा कॉल uh, को रीसेट करें थैंक यू आयत 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 ने भी यही लिख दिया कि उसको सेट कर दो यूट्यूब इज़ हैविंग सम शॉर्ट ऑफ ट्रबल टूडे ओके फरा मेकअप ने लिखा है यूट्यूब की जो प्रॉब्लम है जो वो क्रिएटिव टीम होती है ना इनकी जब अपलोड कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें तो ये आता है शहबाज खान थैंक यू वेरी मच जी हाँ शहबाज जवाब दूंगा बिल्कुल आज जवाब दूंगा वो थोड़ी अपडेट थी ना स्टार की जिसकी वजह से मैंने होल्ड किया तो आज मैं आपको इन जवाब देता हूँ जैनब जी अली थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया और रूबी फातिमा थैंक यू नेहा हसन कह रहे सर इक्वेरिस का बता सकते हैं कोई मेरेकल हो सकता है इक्वेरिस का क्या मेरिकल होना है वो आप अपनी जात का देखो इक्वेरिस के साथ तो दिन रात मेरीकल हो रहे हैं उनकी जिंदगियां बदल रही हैं आपके पर्सनल क्या है वो उसको देखो दर राजा हैदर एट हॉटमेल डॉट कॉम पर जाके ई मेल कर सकते हो आपको नंबर मिलेंगे टेलीफोन पर मीटिंग होती है एंड दैट सेट हुली थैंक यू फॉर द गुड लक और मानव कह रहे हैं सर आ, सुप्रीम के आने की बात हो रही है आ, आपका क्या ख्याल है किसकी सुप्रीम क्या क्या किसकी बात कर रहे हो मुझे डिटेल से लिखो मुझे नहीं पता मैं काफिल खबरें वबरें नहीं देखता हूँ पता नहीं कौन बातें कर रहे हैं मुझसे वो बात करो जो मुझसे रिलेटेड है ठीक है सदफ मंसूर कह रही है प्लीज़ थम्स अप थैंक यू जो अभी आए हैं यार लाइक को हिट कर दो एंड सुपर चैट की अशद हमें ज़रूरत है सुपर चैट जरूर कर दो आ, हुमा जहीर कह रही हैं मैं डॉलर साइन को प्रेस करती हूं तो आ, लेकिन नहीं हो रहा ओके हम अगर आप पाकिस्तान में हो ना हुमा जहीर तो आपको वी डाउनलोड करना पड़ेगा अपने ऐप अप स्टोर में जाओ एंड्रॉयड यूज़ कर रही हो या एप्पल के फ़ोन यूज़ कर रही हो तो इसका ऐप स्टोर होता है जहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वहाँ लिखो फ्री वी ठीक है मैलन वी है फ्री वी है हज़ारों हैं तो आप किसी को भी क्लिक कर दो जो फ्री वाला है उसको डाउनलोड करो फिर जब आके आप इसको दबाओगे तो फिर आपका ये होगा पाकिस्तान और अरब मुल्कों के लिए अभी सुपरचैट नहीं दिया तो सिर्फ एक वीपीएन ही है जिसको डाउनलोड करके आप पेमिट कर सकते हो किसी भी मुल्क के झंडे को दबा दो बहुत इजी है अच्छा जी ओके जी आगे चल के हम इसका भी जवाब देते हैं टोटल uh, टाइम ठीक है जी जो सवाल आपसे रिलेटेड है, है ना वो पूछो जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट और गूगल पे मौजूद है वो मुझसे मत पूछो क्योंकि वो उसके लिए टाइम वेस्ट करना मतलब जो आपकी जात से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ऐसे ये सब तो अभी एक सेकंड में यही सवाल पुट कर दो एहतजाज़ अकमल तो सब यूट्यूब पर आ जाएगा गूगल पर आ जाएगा हज़ारों हैं तो आप प्लीज़ कोई ऐसी चीज़ जो आपकी ज़ात से जुड़ी हुई है सर मैं बहुत परेशान कौन सा क्या जी रुका हुआ है नेचर लवर मैं क्या बताऊँ मुझे तो नहीं पता आप परेशान है तो आपको मीटिंग करनी होगी ना मैं तो सिर्फ वो सवाल देख रहा हूँ जो लोगों के ज़िंदगी जी असल कह रहे ठीक है जी फातमा यासिन थैंक यू आई थैंक यू आ, सर आ, इस बारे में हमारे वजूद को हो के लगता है कि नहीं मरियाम राजपूत क्या लिखा है सर इस बारे में बताएं कि हमारा वजूद हो के भी लगता है कि नहीं है समझा ही नहीं मैं मतलब वजूद तो है आप छूते हो ना नहाते हो खाते हो दर्द होता है तो वजूद है या आप रूहानी तौर पे कुछ पूछ रहे हो तो सवाल की ब्रीफिंग दो पूरी डिटेल एक लाइन में कभी भी इसका जवाब नहीं आ सकेगा ठीक है और बाकी ये जो लिख रहे हैं जी इक्वेरिस का बताओ फलान का वो सब बता दिया आप इस हफ्ते को देखो इस महीने का भी मैंने अपडेट कर दिया कि अभी जो महीना फरवरी का शुरू होने वाला है उसमें क्या होने वाला है ठीक है और आगे चलते हैं आप बिल्कुल लैंड पे आते हैं कोई काम की चीज़ हो तो प्लीज़ ज़रूर आप लिखो सर अगर हमारे दिल करें कि हम अपने सब फराइज छोड़ कर दूर किसी होली जियारत पर चले जाएँ और बस वहाँ इबादत में गुम हो जाएं विदाउट एनी लालच तो दुआ क्या ये गलत है बिल्कुल गलत है ऊर अली बिल्कुल गलत है अब आप कहोगे कि इबादत तो बड़ी अच्छी है पहले मुझे एक बात बताओ आपने लिखा है कि सर अगर हमारा दिल करे तो दिल करे का मतलब कि अभी नफ्स का जो कुत्ता है वो अंदर भौंक रहा है लेकिन अब दिल तो अच्छे काम के लिए कर रहा है इसमें नफ्स कहां से आया सुनो आपने कहा कि अपने सब फराइज छोड़ के फराइज कैसे छोड़ोगे पकड़ तो इसी में होगी इबादत अल्लाह माफ कर देगा कि तूने नमाज नहीं पढ़ी तूने काबा में क्यों नहीं नमाज पढ़ी तूने हज नहीं किया ये छोड़ दूंगा मैं लेकिन हुकूक इबाद नहीं छोड़ेगा तो आपने जुमला ही लिख दिया कि फराइज छोड़ के किनको छोड़ोगे माँ बाप उनकी इज्जतों के जनाजे निकालोगे शोहर बीवी ये जो जो भी हो आप जो भी रिलेशन है आप उन रिलेशन को या तो बैलेंस करते हो देखो रिश्ता जब तक है माँ बाप का रिश्ता टूटता नहीं है बहुत सारे लोग हैं माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं ठीक है वो रिश्ता टूटेगा नहीं आप जितना भी छोड़ के चले जाओ फराइज से भाग के आप किसी जीारत पे वट इज़ जियारत किस जीारत की बात कर रहे हो आप दुनिया में जो बड़ी बड़ी ज्यारत हैं ये जो आप इराक़ ईरान में जाते हो इन जाहिर है अहले बैत से बड़ी कोई जगह ऐसी नहीं है जिनको आप जियारत कहो या आप आम दरबारों की बात कर रहे हो तो जियारत में तो जो मतफन है वो तो अपना टारगेट पूरा करके चले गए आप वहां क्या खोज रहे हो आप रूहानी तौर पे जब हम किसी दरबार में जाते हैं ना दुआएं क्यों कबूल हो रही होती है इसलिए कि वहां फातिहा पढ़े हो कुरान पढ़े हो और जहां पे कुरान या अल्लाह का जिक्र या इबादतें होती है वहां फरिश्ते आते हैं जाते हैं आते हैं जाते इसलिए वहां इजमाही तौर पे लोग जाके दुआ करते हैं कि दिगार इस नेक बंदे के वसीले से यानी कहते बाबा जी तुम्हें सानू कर दो बाबा जी कुछ भी नहीं करेंगे अल्लाह ने करना है लेकिन वसीला वो बनेंगे तो वो बाबा जी वहाँ पे वजूदन होंगे और वो जिस जिसको देखेंगे हाँ तू, तू 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 चुनेंगे ना लॉटरी निकल रही होती है तो ये भी गलत है क्योंकि जियारत पर जा कर इबादत करने की क्या जरूरत है आप अपने घर में भी पढ़ सकते हो आप क्या समझते हो रब जंगलों में है पानी में है काबा में है कलीसा में है मस्जिद में है मंदिर में है कहाँ है वो यहाँ है तो फिर आपने भागना ही है तो फिर ऐसी जगह भागो जहाँ पे दुनिया नहीं है दुनियादार नहीं है जहाँ रब नहीं है इबादत ही करनी है तो किसी एक कमरे में बैठ के भी अल्लाह को पुकारोगे जनाब मरियम क्या इबादत करती थी एक कमरे में बंद होके आपको पता है ना किबला अव्वल जो जगह है तो वहाँ पे मुलाकात होना गुफ्तगु होना तो अल्लाह जो चाहे वो आपको करवा सकता है तो ये वाली चीज़ गलत है यस yes, गलत, गलत है ओके माह अली कहिए असल एवरी वन ओके जी वाले एवरी वन वालेकुम असलम नोरे नोरे वालेकुम सलाम मुझे बस सिर्फ सवाल पिक करने हैं जी आज आ, क्या है जी आज उसी के बारात में बहुत काफी अरसे बाद मुझे नींद नींद सी आ रही है बॉडी में सुकून है हम सज्जी टेरीज बहुत अच्छा है अगर ऐसी वाली सिचुएशन में तो उसका मतलब है कि अब आप उस से निकल चुके हो आप जो भी तस्बिया वगैरह पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू रखो जब नींद आए सो जाओ बिल्कुल जागो मत क्योंकि वो लम्हा होता है अगर आप अच्छे बच्चे हो अच्छी बच्चियां हो तो जब नींद आए फौरन आंख बंद करके सोना क्योंकि वो टाइम होता है मैसेज का एक होता है ना यार बारह बजे मुझे जाना है कहाँ जाना है मेरी अम्मी की कॉल आनी होती है रोज़ बारह बजे इसका मतलब यो कंफर्म कि अम्मी ने बारह बजे ही कॉल करनी है क्योंकि उसी वक्त वो फ्री होती हैं हेलो करके सो जाएं मेरे मियाँ का फ़ोन आना है कितने बजे तीन बजे वो लंच ब्रेक होता है तो वो फ़ोन करते हैं इसी तरह जो महबूब होते हैं ना इनके साथ कनेक्शन होता है वो आपको सुलाता है क्योंकि हमारी खुली आंखें उसकी तजलियाँ देख नहीं सकती हैं हम मूंसा नहीं हैं हमेशा नहीं है समझ आई तो हम लोग नींद में जाते हैं गशी के आलम में जाते हैं खा पहले आप नींद में डीप स्लीप में देखोगे फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंखें खुली भी होंगी आपको डिफोकस डिफोकस के सब कुछ हो रहा है लेकिन आप बेहोशी के आलम में नीम गशी उसमें देखोगे फिर जब आप स्ट्रांग हो जाओगे तो खुली आंखों से भी वो जलवे करवाएगा तो सो जाए करो फ़ौर मरीम बेरी असल वरह वरक मरीम काम थैंक यू वेरी मच जी बहुत शुक्रिया जैनी थैंक यू फॉर द हंड्रेड रुपीज़ बहुत शुक्रिया चैट आपने भेजा है अल्लाह ताली आपको लंबी उम्र अता करे ज़िंदगी दे बहुत खुशियाँ अता करे आपके लिए आसानियाँ पैदा करे थैंक यू थैंक यू फॉर द दंड्रेड रुपीज़ ओके मैसेज ही भाग गया जब आपका मैसेज आया है तो प्लीज़ दोबारा से आप कर दे राज भाई एक ड्रीम देखा है एक बंदा मेरे सामने बार ठीक है ठीक है और ये रबील ने लिखा रबील इसके लिए आप एक काम करो जो सपना आपने देखा है ख्वाब देखा है इसके लिए आपको एक काम करना होगा सूजी या सूजी का हलवा या कोई भी किसी गरीब को बना के देना होगा आपको ये ख्वाब बहुत अच्छा ऐसा नहीं है कि इसमें जान चले जाना ये नई जिंदगी नई शुरुआत या रुके हुए कामों की एक खुशी की नवीद के लिए होता है लेकिन क्योंकि आपको ये चीज़ें डेंजर लग रही होती हैं और दूसरा इसका होता है कि कोई इल्ज़ाम या बड़ी चीज़ कोई आपके साथ मंसूब करे उसके लिए भी तो आप ये हलवा या सूजी आप बना के दे दो तो क्योंकि इस खाब के लिए हर ख्वाब का एक सदका भी होता है ना तो इसलिए सर जी जब गुस्सा आए तो अपने आप को कूल डाउन कैसे कर सकते हैं शादी यासर देखो गुस्सा तो मुझे भी आता है हर एक को आता गुस्सा एक फितरी अमल है किसी भी चीज़ पर आएगा आपने सुना होगा ना पेगम्बर जलाल में आ गए जलाल में यानी चेहरा गुस्से से अब उसको पीना है वो तो बड़ा मुश्किल काम होता है बहुत सारे लोगों ने इसकी तरतीब बताई है कि जी आप दरुद पाक पढ़ लो आप ये कर लो आप लेटे हो तो बैठ जाओ बैठे हो तो खड़े हो जाओ बाहर निकल जाओ बहुत सारी चीज़ें इसके लिए आपको अपने आप को पहले मेंटली तैयार करना होता है कि कितनी है कैपेसिटी आपकी किस बात पर आपको उसको पकाना होता है देखो मैं भी वही हूँ और एक कमांडो भी वही है अगर आप भी वही हो एक कमज़ोर सी औरत हो, हो मैं भी कमज़ोर सा बंदा हूँ हमारे अंदर बिल्कुल जान नहीं और एक कमांडो है कमांडो को बोलो तपती हुई रेत तो वो कहेगा ओ कि आप बोलो समंदर सहरा भूखा रहना मार खाना टॉर्चर होना वो कहेगा ठीक है क्योंकि वो कमांडो है वो स्पेशल मशकें करने के बाद वहाँ तक पहुँचा जब तक मशक नहीं करोगे गुस्सा ख़त्म करने की तब तक नहीं होगा इसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं नॉर्मल लोग आ, उस चीज़ को शायद समझ नहीं पा रहे होते और आ, आप लोग जब भी कभी गुस्से में होते हो वैसे तो तस्बियाँ बहुत होती हैं आप या लतीफों का विरोध कर लिया करो या सबूरों का विरुद्ध कर लिया करो फ़ौर एक तस्वीर पढ़नी है और गुस्सा ठंडा हो जाए लेकिन जब आ गया तो अब क्या करोगे तो इसके लिए आपको थोड़ा अपने साथ टाइम बिताना होता है अपनी कैपेसिटी देखने के बाद मराकबा सबसे बेस्ट चीज़ होती है मराकबों में आप जब कूल होते हो तो फिर आपके लिए गु़स्सा गम खुशी जलवे ये सब बेकार हो जाते हैं आपको लगेगा ही नहीं कि यार अब कुछ है फिर आपकी जो तवज्जो है वो किसी और तरफ़ होती है तो फिर कोई कुछ भी कह दे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा लेकिन बहुत सारे लोग हैं बुज़ुर्ग भी हमने देखे हैं जो बड़े असली वाले बुज़ुर्ग होते हैं लेकिन उनको बड़ा गुस्सा आता है हम पास बहुत गुस्सा आता है ठीक है बिल्कुल गुस्सा अभी तो आएगा क्योंकि अभी देखो ना ये पाँच मई तक तो ये चीज़ें भी जन्नात की वो जो कल हमने शो किया किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देख ले कि क्या क्या होने वाला है और आपके मूड्स क्या रहेंगे ठीक है ये अजय सर जी अगर कोई हसद हसद ऐसा हो जिसके सामने बार बार जिसका सामना बार बार करना पड़े इसके हसद अपने आप और फैमिली घर को कैसे महफूज करे इनम बट तीन तस्बियाँ नोट करो अगर ऐसी वाली सिचुएशन है सबसे पहले या बदी हो या क़राम और या वकील हो ये तीन तस्बियाँ मग़रब की नमाज़ के बाद आपको पढ़नी होती हैं पानी पे दम करनी होती हैं पी भी सकते हो पीना तो होता है और घर में जो बेडरूम है या लिविंग है उसके चारों कोनों में भी छिड़कना होता है बस ये इसमें यही दुआ करनी होती है जो आपने यहाँ पे ये अपना पूरा सवाल लिखा है तो हासिदीन जितने भी हैं या जिनसे बार बार सामना करना पड़ता है हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट आप सेफ हो गए अब ये कितने दिन पढ़नी है ग्यारह दिन पढ़नी होती है ग्यारह दिन का मतलब आप ग्यारह महीने के लिए सेफ़ हो जाओगे यानी एक दिन एक महीना आपको सेफ रखेगा फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है तो आप उनके हसद से बच सकते हो सर ब्लैक मैजिक चलो भागी गया जी वो फ़ौर आते हैं आर खालिद फ़ाइव पाउंड आपने भेजे हैं मेरी अम्मी के लिए दुआ कर दें और वन एडवाइस फ़ॉर द कैप्रिकॉर्न प्लीज़ पहले तो आपकी अम्मी के लिए अल्लाह उनका साया आपके सर पे हमेशा कायम उदायम रखे अल्लाह उनको लंबी उम्र अता करे सेहत शफाई कामला वाजला अता करे एंड थैंक यू फॉर योर डोनेशन अल्लाह आपकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ आपको दिखाए और कल का सूरज आपकी ज़िंदगी में खुशियों का तूफ़ान दिया थैंक यू फॉर योर फाइव पाउंड डोनेशन आपने कहा कि कैप्रिकॉन के लिए कोई एडवाइस करें कैप्रिकॉन को मैं एक एडवाइस करूँगा जितने भी कैप्रिकॉन देख रहे हैं आप लोगों की ज़िंदगी उनतीस तारीख़ जो अभी ये जनवरी का जो महीना अभी चल रहा है कुछ चीज़ें आपको ज़िंदगी में ये एक ही एडवाइस कही है वरना मैं एडवाइस तो बहुत सारी कर सकता था ट्वेंटी नाइन फ्राइडे कल शुरू होगा ये सूरज जब सुबह का सूरज निकले और रात बारह बजे तक आपके पास एक टाइम है इसमें आपको कुछ ख़ास फैसले करने हैं ख़ास फैसले क्या करने हैं कि ये ट्वेंटी नाइन से लेके बारह तारीख तक बारह फरवरी तक का टाइम जो है ये बहुत सेंसिटिव है आपके लिए जिसमें रिलेशन से दूरी रिलेशन का ख़त्म होना कोई गलत फैसला करना और आप लोगों की जिंदगी में डिप्रेशन का बढ़ जाना ये अब इसमें फैसला राइट करना आपने कोशिश करना कि 12 फरवरी तक कोई भी ऐसी लुचना तलो के जी जज्बात में आके और यही वो टाइम है जिसमें होना बहुत एक्सट्रीम पे बड़े आपको लगेगा कि आप ठंडे दमाग से फैसला कर रहे हैं हमेशा कहते हैं फैसला ठंडे दिमाग से करना चाहिए तो जिस वक्त ये जुमा शुरू होगा तो आपकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी और ये फिर जुमे तक यानी बारह फरवरी को फिर जुमा होगा तो ये जुम्मों के बीच में जो दो जुमे हैं इसी में गेम चेंज होनी है कैप्रिकॉन के लिए सेंसिटिव बॉन्ड रिलेशनशिप जंग है एक जिसमें आपको कोई गलत फैसला आपसे होना तो आप अगर कंट्रोल करोगे मेरी एडवाइज़ है कि कंट्रोल कोई फैसला नहीं करना बारह के बाद जो करना है कर लेना लेकिन कल से ये शुरू हो जाएगा तो आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है इसको अच्छा ही कहूँगा क्योंकि कबल अज़ वक्त का पता चल जाना अच्छा जी और कौन है हमारे साथ थैंक यू आप सुपर चैट करने वालों का बहुत शुक्रिया आई नीड बिग सुपर चैट रेड कलर की सुपर चैट इंडिया पाकिस्तान कहाँ लोग चलेंगे सब लोग जो अमेरिका कैनेडा वाले हैं यूके वाले हैं प्लीज़ सुपर चैट कीजिए बड़ा मुख्तर सा शो है और इसको हम ख़त्म कर देंगे आ, मैंने कल भी जल्दी ख़त्म कर दिया शो, शो के सिमी मैम शुरू करेंगे लेकिन सिमी मैम का पता नहीं कहाँ है उन्होंने शो ही नहीं किया पता नहीं इंतज़ार पा के उसू नहर वाले पुल ते बुला के माही कितने रह गया वो वाली सिचुएशन थी ओके सर मुझे अच्छा एक बार मैसेज बार बार नहीं करें मुझे नज़र आ रहा है मैं अन्ना नहीं <laughs> नज़र आ रहा है रोमा कह रही हैं राजा सर मुझे ये पूछना है कि जो कफ़न हम अपने लिए करबला से ख़रीद के लाते हैं उसका हदिया या खमुस वाजिब होता है हर साल आ, और अगर होता है तो एक कफ़न का हदिया कितना अच्छा नहीं ये नहीं होता है जब आपने कफ़न ख़रीद लिया है तो वो हो गया आपने उसका वो दे दिया बहुत सारे जो फ़िके हैं अलग अलग उनकी अलग अलग डिमांड होती है वो ये कहते हैं कि हाँ जी आपको बस दे सकते हो उसका हदिया दे सकते हो लेकिन अगर जो कोई लाया है उसकी फ़र्ज़ करो कोई लेकर आया आपके लिए या आपने ख़ुद ख़रीदा फिर तो आपने जाहिर है वो पैसे दे दिए लेकिन अगर कोई लाया है तो आपने वो हदिया दे दिया तो आपने दुनिया में ही ख़रीद लिया मैंने कितने हो गए मुझे साल बारह चौदह साल हो गए आलमोस्ट कि मेरे पास मेरा कफन है और उसके अंदर पर्ची भी डाली हुई है और एक नहीं है मेरे पास मेरे दो कफन हैं और वो इसी तरह परचेज़ करके आप हर साल आप नहीं मैं तो मेरे सदक़ात रोज़ की बेस पे बहुत होते हैं एक यूएस में है मेरे पास एक मेरे पास पाकिस्तान में है लेकिन वो मेरे दूसरे घर में है उस पर यही मतलब पूरी चीज़ें वो भी कर्बला से ही आए सारे तो उसमें पर्ची भी है कि कहीं भी जाऊँ तो मेरे लिए यही है ताकि आपका अपना ज़रूरी है जब मौला ली कहते हैं ना कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके पैदा होते ही उसका कफन भी मार्केट में आ जाता है यानी वो जो लट्ठा है वो जो कॉटन है वो फूल उग चुके होते हैं जब आप पैदा आते हो तो अल्लाह की कार्रवाई देखो अगर कभी आप उस पूरे एनिमेशन को देख सको ना कि यहाँ ये बेबी आ रहा है यानी आपके वजूद में एक बच्चा है मर्द के वजूद में अब वो ट्रांसफॉर्मेशन यानी वो गया वहां से और और दुनिया में आपके बेबी से पहले क्या इंतजाम हो रहे हैं चावल बन रहे हैं कुछ हो रहा है कुछ उग रहा है तो अब आप कैसे मैं समझाऊं आपको आसान लफ्जों में कि आप एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करो जिसमें आप अपना नाम लिखो फर्ज करो अल्लाह ताला वो सॉफ्टवेयर बनाता है उसको तो पता ही है आपने लिख दिया राजा हैदर चलो मैं अपनी मिसाल देता हूं कि मैंने पैदा होना अभी मैं पैदा नहीं हुआ मैं जसूमा हूं वो जो हवा में उड़ते हैं ना जो रोशनी रोशनदान से आप देख रहे हो वो उड़ रहे हैं छठे माम कहते हैं जसूमे वो अरवाए हैं जिन्होंने पैदा होना है कभी देखा ना रोशनी में वो जो आते हैं जिसको आप डस्ट कह रहे हो तो डस्ट एक अलग चीज है डस्ट भी आप ऐसे करो तो वो उड़ते हैं वो जित वो मिट्टी नहीं वो जसूमे जो मूव करते हैं हाई स्पीड में ये जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारे भी अंदर जाते होंगे लेकिन आपके डीएनए के साथ कौन सा जसूमा मैच करता है और कितने आपकी दो लाते हैं दो जसूमे तीन है तो तीन जितनी होनी दस है तो दस वो आपके डीएनए में जाके गोल्ड मिल जाते हैं अब अल्लाह को पता है उनमें से कौन कौन सा आपका अरवाहे हैं वो वो जब ट्रांसफ़र होते हैं एक एक करके तो वो वही हैं बाकी के फालतू के निकल जाते हैं आप सांस लेते हो ना जितनी ज़रूरत है वो अंदर गई बाकी की फालतू की निकल गई ऐसा ही है तो वो जजू इंसान के अल्लाह ताला ने कायनात में ये अरवाहें जो हैं ये बना दिए अब अगर आप सॉफ्टवेयर बनाते हो राजा हैदर का उसने पैदा होना है तो उसके पैदा होने से मरने तक कौन कौन सी चीज़ें एक्टिव हैं और बाकी सबको डार्क कर दे परवरदिगार और रोशनी डाल दें तो मेरे पैदा होने से पहले चावल की फसल उग रही है या मुझे जो जो पसंद है मैं पैदा हुआ हूं तो एक जगह पे किसी गाय ने एक बछड़ा दिया है क्योंकि उसी का दूध मुझे लेना है या उस बछड़े का गोच खान जो भी है वो साफ 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 आप देखना शुरू करो तो पागल हो जाओ कि याला तेरा इंतजाम क्या है कि एक बंदे के पैदा होते ही कॉटन भी निकाल रहा है कफन भी बन रहा है कफन हर किसी को चाहिए होता है वो दरख्त भी उगा रहा है जिसकी लकड़ी से ताबूत बनना है दुनिया की हर चीज़ वो ये जानता है वो हाल के आईने में बैठ के मुस्तकबिल को देख रहा है तो इसलिए बड़ी आम सी एक चीज़ आपने पूछी है और ये आप अपने जो उलमा हैं उनसे भी आप डिस्कस करोगे तो हर बंदा अपने अपने हिसाब से करता है लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती चलो मैं थोड़ा डीपली जवाब इसलिए देता हूँ कि कम लफ्ज़ों में शायद आप समझ ना पाओ अच्छा जिसका मैंने अपने माही असन देखो इसका जो ताल्लुक है ये रिलेशनशिप के साथ नहीं है इसका ताल्लुक है कि आप अगर कहीं रोज़गार का सिलसिला है नौकरी वोकरी करते हो तो वो रोज़गार का बदल जाना या फिर आप लोग अगर किसी एक मुल्क में हो शहर में हो मकान में हो उसकी तब्दीली का हो जाना यानी किसी चीज़ की तब्दीली का ये अच्छा खाब है लेकिन इसके लिए आपको रोटियाँ देनी होती हैं पाँच रोटियाँ कम अज़ कम किसी को भी किसी को भी दे दो तो ये पॉजिटिव इसकी एनर्जी मिलेगी ये अच्छा बहुत बहुत बहुत, बहुत, बहुत बेहतर है ओके जी और क्या है हमारे साथ इंस्टाग्राम पे सिमी क्या नहीं को ज़रूर मैं बिल्कुल आईडी बताता हूं जी सिमी की अभी क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं सिमी मैम को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनकी आईडी में मुझे नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे ज़रूर राजा हैदर आर डबल ए जे ए राजा एच ए आई डी आर ये लिखा है फेसबुक पर राजा हैदर ऑफिशियल है मेरा और सिमी मैम की अभी पूरी डिटेल मैं बताने लगा राज भाई मैं बहुत परेशान हूँ मैंने कहा अच्छा जी वो बाद में देखते हैं उसका जवाब बाद में देते हैं डेट ऑफ बर्थ मत लिखी जी डेट ऑफ बर्थ का कोई जवाब नहीं मिलेगा वीकली कलर के साथ ब्लैक कलर पहन लें तो वीकली कलर का पावर कम हो जाती है कि नहीं अच्छा जावेदा अच्छा सवाल किया यार बहुत अच्छा थैंक यू देखो पहली चीज तो ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं जब मैं कहता हूं येलो रेड एंड ग्रीन कलर है आपने पहनना अब येलो का मतलब ये नहीं है कि सर से लेके पैर तक आपने येलो ही कलर पहनना है आप कोई टाई पहन लो येलो आपको रुमाल रख लो आप शमीज पहन लो अंडर गारमेंट पहन लो कोई एक चीज पहनना जरूरी है उसके ऊपर आप और जो भी चाहो ब्लैक कलर पहनो या वाइट पहनो ब्लैक एक वाहिद कलर है और वाइट दो, दो रंग ऐसे हैं कि जिनके साइड इफेक्ट नहीं है ये बड़ी ढकियानुषी सोचें चल रही हैं जो सोचोगे वो होता है ना वहम का तो कोई इलाज नहीं है आप सोचोगे कि यार जब बादल होते हैं तो मैं कपड़े मतलब नए पहन के बाहर निकलूँ तो गंदे जरूरी होते हैं तो ऐसा होगा क्योंकि आप सोच रहे हो और वो हो रहा है समझ आ रही है आपको मेरी बात ब्लैक कलर और वाइट कलर ऐसा है कि जिसके बारे में कहीं मोमानियत नहीं है अल्लाह तला ने इस कलर को ऐसा जबर रात की तारीकी जो है हमारे गुनाहों को छुपा लेती है काला रंग आपके लिए बड़ा अच्छा होता है लोग कहते हैं ये हमारे खानदान में बुजुर्ग कहते थे मत पहुजुर्गान कहो स्कूल भी जाना सी यार अगर ऐसी बात होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हदीस ना बता देते कि फला जो राजपूत हैं या मलक हैं या चौधरी हैं वो लोग काला रंग ना पहने जब कोई हदीस ही नहीं है रंग थेरेपी है कौसे कजा के रंग तो काला रंग गिलाफ काबा का ना होता अगर वो खौफ का रंग है वो डिस्ट्रॉय करता है तो आप खिलाफ काबा को कभी काला ना देखते ग्रीन भी अल्लाह कर सकता है ना वाइट भी कर सकता है नहीं काला ही होना चाहिए डे वन से बिकॉज अल्लाह का फेवरेट कलर ब्लैक है हमें काली कमली वाले सरकार के सर की कमली अब उनकी कमली काली तो आप काले को कैसे बुरा कह सकते हो इसलिए ये ढकया नुसी ख्याल निकाल दो एंड वाइट हज पे जाते हो मुबारक है सादतें होती हैं आप हज पे जाते हो सफेद कपड़े और उससे मिलने के लिए जब जाते हैं मरने के लिए मरने के बाद तो कफन सफेद तो सफेद डरने की चीज़ नहीं है खुशहाली के लिए पूरी दुनिया में दुल्हनों का लिबास इंक्लूडेड ईरान इराक में जो दुल्हनों का लिबास है वो सफेद होता है वो खुशी की अलात माना जाता है हमारे यहाँ आए हाय बेवा हो गई वो हिंदुस्तान में है। जो है वाइट कलर को आप बेवाओं का कलर कह रहे होते हो तो मर्द क्यों पहनते हैं मर्द क्या मतलब रेंडवे हो जाते हैं जो वाइट पहनते हैं वहाँ कलर अगर औरत के लिए माने शराब मर्द औरत दोनों के लिए पाबंदी है ना तो दोनों के लिए है तो कहीं ये नहीं है सफ़ेद मर्द ही पहने औरत ना पहने अपने अपने अजहान से मत सोचो आप टेक्निकली थोड़ा सा आगे जाओ ताकि आपको पता चले कि आप सोच क्या रहा हो ठीक है अच्छा ये हमारे पास एक सुपर चैट है और रिहाना अहमद आपने भेजा है सदकफर फाइव फरवरी अपडेट शुरू हो गई फॉर लिब्रा नाइन्टी डेज़ फाइफ फाइव फैप से शुरू होगी अपडेट तो आपने देख ही लिया रिहाना थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया आपने ये जो फाइव योरोज़ भेजे अल्लाह ताला आपकी लंबी उम्र अता करे आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता करे आपके जितने भी रुके हुए काम हैं उनको कर दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े आपकी परेशानियाँ दूर करे और आपका से सदका कबूल करे दूसरा सदका है रहीम खान ने हमें अमेरिका से भेजा लो रहीम जो नए लोग हैं उनको हम वेलकम कहते हैं जी बिल्कुल रहीम भाई या बहन जो भी हमारी हैं साथी उनके लिए हमारे दिल से निकलती हैं दुआएं परवरदिगार आपके सगैरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ करे आपके मरहूमिन को जवार रहमत में जगह दे जितनी भी ख्वाहिशें आपकी कल का सूरज चढ़ने से पहले पल अल्लाह पूरी कर दे क्योंकि आपने सुपर चैट दिया है आपको कभी भूखा ना सुलाए आपकी सात नस्लों में कोई भूख और अफलास ना देखे इसके लिए बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच आपकी इन मोहब्बतों का जो आप यहाँ पर सूपर चैट के ज़रिए देते हो सो सुपर चैट प्लीज़ करते रहो ज्यादा से ज़्यादा अमाउंट अगर आप यहाँ पे दोगे और वहाँ पे किसी के लिए दुआ करना है इस साले वाब के लिए किसी भी चीज़ के लिए तो लिख दिया करो हम उनके लिए दुआ भी यहाँ कर देंगे अच्छा जी नहमत नहमत कहने असलम सर द वे यू टैल इज सुपर सुपर अच्छा जी गिव यू फुल सक्सेस इन योर लाइफ थैंक यू नहमत नहमत अब बहुत अच्छा है यार आपका एक तो नाम ये नेमत ही कर सकती है कोई ऐसी बात कोई जहमत नहीं कर सकती तो नेमत अल्लाह आपको जिंदगी दे खुशियाँ दे अल्लाह आपको वो वरूज दे जो आपके अंदर है और जितनी भी तकलीफ़ें हैं अल्लाह ताला ख़त्म कर दे और ख़ुशियाँ अता करे फ़ाइव पाउंड हमें सुबह चैट एक और आया है और ये आया है हमारे पास यूके से और शबाना रहमान ने भेजा है सदका फूड नैक्स मंथ इन्होंने पाँच पाउंड अगले महीने का सदका दिया है अल्लाह ताली आपको बेहिसाब अ करे थैंक यू वेरी मच किसी कमीने की मोहताजगी ना हो आपको अल्लाह ताला बेहिसाब अपने ख़ज़ाने से दे और जितनी भी खुशियाँ आप चाहते हो उससे दस गुना ज़्यादा आपको अता करे आपके इर्द गिर्द के रिश्ते बच्चे औलादे माँ बाप जो जो हैं वो सलामत रहें उनकी वफ़ाएँ देखो और सारे दर्द परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके ख़त्म कर दे थैंक यू आपके इस पाँच पाउंड के लिए और आपने जो नेक्स्ट मंथ का सदका दिया यह कबूलो अच्छा जी ओके थैंक यू आयत कह रही हैं थैंक यू सो मच फॉर डोनेशन थैंक यू जी अच्छा अज़हर अब्बास कह रहे हैं सलाम सर दुआ करते हैं दुआ करते वक्त पॉजिटिव लफ्जों के निकलने से पहले अंदर से एंटी या नेगेटिव दुआ क्यों निकलती है अजर क्योंकि प्रोसेस तथहीर का पूरा नहीं हुआ होता हमारा देखो एक घर है जिसके अंदर आप आते हो काफी दिनों के बाद उसके अंदर काफ़ी सारी गर्द जम जाती है फिर आपको वैक्यूम करना है वैक्यूम काफ़ी नहीं होगा फिर आपको डस्टिंग करनी है डस्टिंग करने के बाद एक एक चीज को आपने मुख्तलि केमिकल्स हैं जिससे साफ करना है सजाना है शीशा है तो ग्लास आ, का जो आ, पानी होता है उससे आप उसे केमिकल से साफ करोगे ये जो हमारी दुआ है दुआ का ताल्लुक डायरेक्टली हमारे वजूद के अंदर अल्लाह ने ही दवा दुआ का नवाला हमारे अंदर डाला है जब हम मांगते हैं ना तो जिसने हमारे लिए कुछ बुरा किया होता है वो नेगेटिव भी कुछ निकलता है और एक नेगेटिव वो होता है कि आप कहते हो अल्लाह मुझे दुबई का वीज़ा दे दे फर्स करो और साथ ही निकलता है कि ये काम नहीं होगा वो जो नेगेटिव सोच है वो रब की नहीं है वो इबलीस की है दैट्स कॉल मैप्स टू पोलन पावर आपके अंदर ज़्यादा घिराव नेगेटिविटी का है शैतान का है तो जब भी आप कुछ अच्छा करने लगोगे बुरी दुआ निकले तो शैतान हावी है अब शैतान पे आपने हावी होना है सो लतीफ़ाए कल्ब के लिए आपने ये करना है इसके लिए मैं तीन तस्वीं आपको हदिया कर रहा हूँ ये वो लोग जब भी दुआ करें आपकी सारी पॉजिटिविटी आए अज़रब्बास या अली हो पहले तो ये शहरतें इज़्ज़तें वो मकाम देगा कि डायरेक्टली आप अल्लाह के साथ जुड़ जाओगे या अली हो पहली तस्वीर आपने लिखनी है दूसरी तस्वीर है वो दो तस्बिया इकट्ठी पढ़नी है या बर्रो या मालिकुल मुल्क पहली तस्वीर सिंगल है या आलियो या बर्रो या मालिकुल मुल्क ये दूसरी तस्वीर वो तीसरी तस्वीर आपने पढ़नी है या है्यू या क्यों नाइन सिर्फ नौ दिन के लिए पढ़ोगे बेड़ा पार हो जाएगा फिर इस तरह की जो भी चीज आएगी आपको खुद पता चल जाएगा इससे ख्वाबों की एक्टिवेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी और आपके लिए बहुत साथ रहेगा ठीक है काम एक हमारे पास सुपर चैट है शिफरीन ने भेजी है सात डॉलर और इन्होंने कहा है सायमा ऐसे की सुपर चैट मिस हो गई है उसने दुआ की रिक्वेस्ट की है ओके थैंक यू थैंक शिफरीन आपके लिए दिन से निकलती हैं दुआएं है कि आप दूसरों की सुपर चैट जो कह रहे हो मिस हो गई है उसके लिए आए हो सायमा ऐसे सलामत रही अल्लाह ताला आपके लिए जितने भी सुख हैं वो जल्द अज़ जल्द आपके दामन में डाल दे आपके सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ करे आपकी परेशानियाँ कल का सूरज चढ़ने से पहले दूर कर दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के सद के आपकी इज़्ज़त महफूज़ रहे आपको कभी किसी की कमीने की मोहताजी ना हो और आप जो भी सोच रही हो अल्लाह फ़ौर कबूल कर दे वो कौन कौन का मालिक है एक हज़ार रुपया इंडिया से डॉक्टर सुफ़ाना रियाज़ साहिबा ने भेजा डॉक्टर सुफ़ाना कह रही हैं सलाम राजा भाई एंड एवरी वन प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर दुआ इनकी दुआ यही है कि जी मुझे सब दुआओं में याद रखो एक हज़ार हिंदुस्तान से इन्होंने सुपर चैट किया है थैंक यू डॉक्टर सुफाना सलामत रहिए अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे आप मेंबर भी हैं ग्रीन कलर का नाम है आ, मैं मेंबरशिप के बारे में बताता हूं और अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे रिस्क में इजाफा करे इतना रिस्क अता कर दे कि आप हमेशा सोचते रहो कि मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ ठीक है सलामत रहिए और दूसरा यहाँ पर कुछ लोग हैं हैंहू भाई थैंक यू वेरी मच आई डोंट नो क्या इन्होंने लिखा है लेकिन आप बिल्कुल एक्टिव हैं जी आपको इजाज़त है आप जानते हैं हमारे मिजाज और हमारे खिलाफ़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो आ रही होती है उसको आप आने से पहले ही आप अपनी एनर्जियाँ वेस्ट ना करो मैं उन लोगों को बता दूं जो यहाँ आके कोई गलत बात लिखने की कोशिश करते हैं या किसी चीज़ को हवा देने की कोशिश करते हैं यहाँ आने से पंद्रह से बीस सेकेंड पहले मैसेज हमारे ये जो ब्लू टीम है ना हमारा खान गैंग इनके पास होता है इन्होंने पढ़ना होता है कि कोई बात गलत है कि नहीं ये वहीं से आपको टाइम आउट और आपका मैसेज डिलीट करते हैं इसलिए लोग नहीं देख पा रहे होते कि आपने क्या लिखा है तो ये ताकत हमने सिर्फ़ अपनी ब्लू टीम को दी हुई है कि आपकी गलाजत कम अज़ कम यहाँ नज़र ना आए तो आपका नाम टाइम आउट ब्लैन ब्लॉक हम सब कर देते हैं तो एडिटी हाजी ना कि जो कोई तख्लीकी गुफ्तु करके आप दूसरों को यहाँ कोई फिक्का वारियत नहीं है यहाँ कोई हम किसी मज़हब को प्रचार नहीं कर रहे हैं हमारा मज़ब दीन इस्लाम है मानते हैं हम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सग हैं उस दर के और प्रमोट कर रहे हैं लेकिन आप लोगों से गुजारिश यही है प्लीज़ सब रिलीजन का एहतराम करो सारे मुल्कों का यहाँ पे हमारे यहाँ पे आके किसी मुल्क या किसी शहरी को भी बुरा भला कहना बहुत ही ज़्यादा बड़ा गुनाह है कबीरा समझा जाता है इसलिए आप वो नहीं कर सकते तो आसिफ रजा नक्शबंदी नाम तो आपका माशाल्लाह अच्छा है लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई अच्छी गुफ्तु की होगी आपने वरना रहू भाई कोई भी ऐसी आ, किसी को उड़ाते नहीं मैं नहीं उड़ा रहा किसी को रोहू भाई अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कोई फिका वारीत को हवा दे रहे हैं या उल्टी सीधी बात कर रहे हो ठीक है ओके आगे चलते हैं बिनसा इमरान थैंक यू अच्छा एक और आ, मैं पीछे जाऊं और फिर मैं यहाँ वापस आऊं और मैं देखता हूं क्योंकि वो रिफ़्रेश कर रहे हैं आज यूट्यूब का जो प्रॉब्लम चल रहा है ना बार बार एक ही आ, चीज़ जो आ रही है उसमें हम लोगों को ये देखना है कि जी हमने क्या करना है ये रुक जाइए ओके okay. थैंक यू डॉक्टर सुफाना रियाज आपका जो सुपरचैट है आ, वो यहाँ पर पहुँच गया अच्छा जी अब आगे है आ, सारा जेव कह दिए सर आपने आपने कल लेबर के सदका नहीं बताया आप आपको देखो बहुत सारे हैं जिनका सदका निकलता है ना तो वो हमने बता दिया जिनका नहीं निकलता वो सिक्का राजुल हुआ कैश दे सकते हैं ये मैंने कल भी बात बताई थी कि आप कैश दे दिया करो जिनका सदका नहीं हो रहा होता वो ज़रूरी नहीं कि प्लानट में आए जिसका आता मैं ज़रूर बताता हूँ असलम राजू भाई प्लीज़ दुआ फ़ातमा अहमद बहुत सारी दुआएं अल्लाह तक आपकी मुश्किलें आसान करें आपका बेड़ा पार हो जाए और आपकी ज़िंदगी से सारे दर्द ख़त्म हो जाए डॉक्टर सुफाना कह रही हैं अल्लाह ब्लेस यू राजा भाई एंड योर फैमिली आमीन जी हर नजर बद से और हासिदीन से महफूज रहें थैंक यू डॉक्टर सुफाना देखो हिंदुस्तान में बैठी हैं ये बहना और ये हमेशा चैट करती हैं बात करती हैं जितने भी लोग हैं इंडिया से हमारे बहुत सारे प्यारे दोस्त साथी आते हैं यूके से कनाडा से अमेरिका से कायनात के हर चप्पे से पाकिस्तान स्पेशली बहुत है यहाँ सब लोग बैठे सुपर चैट इज़ नथिंग ये सदका है आप लोगों की भलाओं का और सदका अगर आपका कोई ले रहा होता है तो आपकी भलाएँ ले रहा होता है मेरे बहुत सारे सदक़ होते हैं जिसको हम इकट्ठा फिर अनाज की सूरत में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये अल्लाह की करम नवाज़ियों में से एक करम नवाजी है कि वो आपको रुपए माल के साथ बड़ा दिल भी देता है बखील को वो कभी रोज़ अशर नहीं बख्शेगा जो बखल करने वाले होते हैं जो कंजूर्स होते हैं जो माल गिन गिन के ताक में रखते हैं उन लोगों के लिए बड़ी सजाएं तो जो उसका है वो आप उसी के बंदों को आगे दे रहे होते हो अपनी लिमिटेड एक्सेस के मुताबिक बिलीव कर लो ना एक दफ़ा जिस दिन आपने सदका दिया और आपको दस दिन के अंदर अंदर बीस दिन के अंदर उसका रिटर्न जब आता है तो आप कहते हो यार ये तो मैंने दिया था ये तो मैं सोच भी नहीं रही थी या रहा था ये कैसे हुआ ये ऐसे हुआ बस यही है ट्राई करना फिर आपको पता चल जाएगा लुकिंग सो स्मार्ट होमैराबर थैंक यू बहुत शुक्रिया हूर अली थैंक यू शफरीन बहुत शुक्रिया रूबी फातमा थैंक यू तहमीना मलिक हैं और नई नवीद कह रहे हैं कैसे सुपर चैट कर सकते हैं नवीद चीमा भाई साहब असल में ऐसा है कि पाकिस्तान में सुपर चैट नहीं है लेकिन जो से समथिंग जहाँ पर आप मैसेज लिखते हो वहाँ पर एक एस डॉलर का निशान बना हुआ है आप अपना वी अगर आपने डाउनलोड किया है तो ठीक है नहीं किया तो अपने ऐप स्टोर में जहां से लोग डाउनलोड करते हो वहां जाके लिखो फ्री सुपर वीप नहीं फ्री वीपीएन फ्री लिखना जरूरी है वरना पेड है अगर आप पेड ले सकते हो तो एक दफा वीपीएन ले लो वीपीएन के कुछ फायदे होते हैं जैसे आप बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसपे आप जाते हो तो कहते हैं नॉट अवेलेबल आप नहीं देख सकते हो अडल्ट की साइट्स हैं कुछ खास साइट है जिसपे आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो वो बैन है तो वीपीएन ऑन करते ही आप हर जगह पहुंच जाते हो उस पर कोई आपको तकलीफ नहीं होती तो वीपीएन एक अनलॉक तो ये करोगे तो फिर पाकिस्तान से आप सुपर चैट कर सकते हो हमें आती है पाकिस्तान से काफी सारी सुपर चैट तो आप इस तरह कर सकते हो ठीक है वरना जो पाकिस्तान में है वो इजी पैसा भी कर सकते हैं बैंक के जरिए भी कर सकते हैं स्क्रीन पे एक ईमेल आईडी चल रही है द राजा हैदर एट हॉटमेल डॉट कॉम द राजा हैदर एट हॉटमेल डॉट कॉम उसको दी राजा हैदर भी बोल दो मतलब कुछ द और दी वाला फर्क चल रहा होता है तो उस पर आप कह दो जी हमने डोनेशन देनी है सुपर चैट करना है तो एड्रेस दें तो वो नंबर आएंगे मिस्टर शकील जो मेरे पिए हैं आप उनको कहें तो वो आपको बताएंगे फिर आपका नाम हम यहाँ शामिल करेंगे कुछ डोनर्स हैं जो कहते हैं जी हमारे शो में हमारा नाम ना लें उनके लिए दिल से निकलती हैं दुआएँ और ऑलवेज निकलती हैं समिया गिलानी कह रही हैं जावेदा जी ये वजीफ़ा कब और किस दिन करना है जस्ट ज्वाइंट ओके ठीक है आप पीछे करके बाद में देख लेना ये आपको बता देंगे रोमोना ट्वेंटी करोनाज आपने भेजे हैं रोमोना थैंक यू वेरी मच अल्लाह आपको जिंदगी दे आपके रिस्क में इजाफा करे या आप ऑलवेज आके यहाँ पे अपना सदका निकालती रहती हो अल्लाह कबूल करे आपके जितने भी रिश्ते हैं वो वफ़ा की इंतहा बन जाएँ अल्लाह आपको सेहत शफफाए कामला वाजिला अता करे तमाम सगीर वबीरा गुनाहों को माफ़ करे बहुत शुक्रिया थैंक यू रमोना आपका क्योंकि एडवांस में हमारे सामने आया और गया इस वजह से <laughs> वो चीज़ देर से आती है आपने वो जो भेजा है ट्वेंटी करोनाज क्योंकि वो ऊपर उसका नाम नहीं आता वो स्टिकर एक लिमिट के बाद आता है जैसे पाँच डॉलर टेन डॉलर और मैक्सिमम आप जो एक टाइम में हंड्रेड डॉलर देते हो आप दस दफ़ा हंड्रेड हंड्रेड करके दे सकते हो तो वो ऊपर देर तक रहता है जैसे रेड और शॉकिंग पिंक कलर दो अलग है रैक्स गेमिंग सलाम सलामकुम कह रहे वालेकुम अस्सलाम शुमा शेख वालेकुम सलाम जूबिया काजमी है हमारे साथ जीते रहिए थैंक यू जी थैंक यू, थांक यू। आ, सर ये तस्बीहात कोई भी पढ़ सकता कोई भी पढ़ सकता एनी टाइम और मिस्टिकल विंग डियर कह रही है आई आल्सो ट्राई टू डू पॉजिटिव कंसल्टेशन टू यू कुछ जिस अच्छा 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 प्राइवेट करनी है ओके जी ठीक है आप, आप मुझे ईमेल कर दो और यही मैसेज उस पर लिख दो मैं बिल्कुल बता दूंगा ठीक है और हो जाएगा बिल्कुल अम्बरीन राजपूत कह रही इजी पैसा का नंबर दे दें वो वहीं से आप मुझे ई करो तो आपको वो शकील साहब के नंबर मिलेंगे ना तो एक दफ़ा अपने पास रख लोगे जब भी किसी को सदका डोनेशन या कुछ भी देना है तो आप अपने सदकात वहाँ तक दे दो वो जो हंगर है ना ये भूख वो बड़ी तकलीफ देह होती है गोली चाकू छुरी से खून निकलता है और इंसान मर जाता है लेकिन भूख एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी कोई भी चीज़ नहीं निकलती ना खून निकलता है ना दर्द होता है उस तरह लेकिन इंसान एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाता है तो अल्लाह उस भूख से बचाए वो किसी को कंगाल ना करे ये ज़्यादा बेहतर है असमा इकबाल ने सपचैैट किया है फाइव पाउंड है फॉर ही टॉप पर आया अस्मा इकबाल कह रही हैं उमुलबन का सदक़ा बहुत शुक्रिया जनाब जनाबे उमुलबन का सदक़ा आपने दिया है कबूल हो परवरदिगार आपकी ज़िंदगी दराज करे मोहम्मद वाल मोहम्मद की खास करम नवाजी हो आप जनाब बतूल की खास कनीज़ों में शामिल हो जाओ जिनका सदका आपने दिया है उनकी खास करम नवाजी हो परवरदिगार आपके सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ करे और आपके बुजुर्गों के दर्जात बुलंद करे बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच फॉर द फाइव पाउंड और सहरश मकसूद के यानी सुपर चैट क्या फ़ायदा सुपरचैट क्या फ़ायदा आप अपने सदक देते हो क्या फ़ायदा मत दो मतलब नहीं देते बहुत सारे लोग लेकिन यहाँ सुपर चैट का ये फ़ायदा है कि सुपर चैट है ये मेरे लिए होता है ये टोकन ऑफ लव है जो मुझे मिलता है लेकिन इसका इस्तेमाल ये होता है कि ये और मेरे अपने जो भी मैं काम करता हूँ रोज़ाना के बहुत सारे सदकार हम इकट्ठे करते हैं एक महीने का राशन लिया जाता है और बहुत सारी चीज़ें ली जाती हैं यानी हंड्रेड डॉलर एक फैमिली के लिए नॉर्मल खर्चा आता है जिसमें चावल चीनी आटा घी सब कुछ अंदर कुछ भी नहीं होता तो वह हम महदूद वसाइल में जिसमें माचिस की डिबिया भी है हर चीज शामिल होती है यानी एक महीना किसी गरीब का सुफेद पोष का नाट गरीब का सुफेदोश का गुजर जाए गरीब तो पूरी दुनिया फिर इस तरह भरी पड़ी है। वो सफेद पोष जो अल्लाह के प्यारे हैं उनको पूरी हमारी टीम सर्च करके वहां तक पहुंचाती है जो मुखैर हजरात हैं वो अपने अपने हिस्सों के सदक़त देते हैं आपने दे दिया आप ये मत पूछो अब वो कहाँ जा रहा है कौन कर रहा है कुर्बानी की खाल आप देते हो तो जाके देखते नहीं कि ये बिक भी रही है इसकी जूती बन रही है कि नहीं आपने अल्लाह के लिए दिया अब अल्लाह जानें और वो जाने आपका कबूल हो गया तो ये इक्वायरियाँ करने वाले बहुत सारे माशरे में आपको नहीं कह रहा बाकीयों को कह रहा हूँ तो वो इंक्वायरियाँ करने वाले बहुत होते हैं जिन्होंने कभी तेला भी नहीं दिया होता वही खड़े हो गए वाह छोड़ दो जी ये इंजन एंजन है तो हमें उसे फ़र्क नहीं पड़ता अलहमदल्ला हम सदक़ देने वालों में से बहुत ज़्यादा किसी को अल्लाह उस जगह तक ही ना पहुंचाए कि आपको हाथ फैलाना पड़े कुकिंग विथ अवेयर कह रहे सर प्लीज मी क्या जी आप कुछ लिखो तो टेल मी करूं और इलाहिया मीन सारकसूद कह रही है फ्री क्वेश्चन क्वेश्चन सेशन सेशन नो नो फ्री फ्री नथिंग इन दिस वर्ल्ड जी कोई लंच फ्री नहीं होता है तो उसके लिए कोई फ्री फ्री में आपको इतने सारे में जो वीकली तस्वीया वीकली हॉर्स्कोप मंथली हॉस्कोप जिन्नाथ वाली सब फ्री है जबकि मैं अभी ये चाहूँ तो मेरे पेड मेंबर्स जो हैं या ऑलरेडी जो मेंबर्स हैं ग्रीन कलर के हैं सिर्फ इनके लिए ये शो कर सकता हूँ मैं तो मतलब ये मेरा बिजनेस है मेरा काम है तो नथिंग फ्री एक आप एक सवाल की बात कर रहे हो ना तो एक लाख छत्तीस हजार सब्सक्राइबर हैं तो एक लाख छत्तीस हजार सवाल अगर मुझे एक एक भी बंदा भेजेगा फ्री तो मतलब क्या समझ रहे हो आगे क्या करेंगे हम तो मैं जितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने सॉफ्टवेयर पे अपना टाइम दे रहा हूँ सब चीज़ें तो उसका पे है। कहना भी बड़ा अजीब लग रहा होता है आपको सफाइयाँ दे रहे होते हैं दलीलें वहाँ दी जाती हैं जहाँ पे कोई उसको माने आपको मोहब्बत करे जो मोहब्बत करते हैं उनको दलीलें और सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं होती और जिन्होंने मानना नहीं आप कसम खाओ या कुरान उठाओ उन्होंने आखिर पे कहना वो सब सही है पर यकीन नहीं आता उनके सामने आप अपनी अहमियत को गंवाऊँ मात ओके okay. और हमारे पास कौन है एक और हमारे पास मैसेज uh, हैं जो जो सुपरचैट कर रहे हैं उन सब के नाम आ रहे हैं और जा रहे हैं जितनी बड़ी सुपरचैट होती है उतनी देर तक आपका नाम ऊपर रहता है ठीक है अच्छा यू आर माय फेवरेट एंड आई आई प्राउड ऑफ यू नमत नेमत कह रहे हैं अल्लाह की वी सक्सेस इन योर लाइफ एंड हैप्पीनेस थैंक यू थैंक यू नेमत अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतें अता करें फेवरेट आपने बना दिया है ओकात नहीं है हमारी लेकिन हम हम एक फैमिली है एक बात याद रखना मैं हज़ार दफ़ा मैं भी और सीमी भी अपने शो में कहते हैं वी आर फैमिली का मतलब ये होता है अब्दुल रहीम अवान हे हेई आपने लिखा है जो न्यू आइडीज़ हैं वो नज़र आती हैं एश हेलो कह रही हैं आयशा आयशा हैं या एश हैं सैरिश मकसूद थैंक यू बतूल एस बहुत शुक्रिया कि जो एक फैमिली वाला एक कनेक्शन है ना पहले ये होता था कि हम दोस्तियाँ बनाते थे कैसे हम किसी कॉलेज गए लड़कियाँ हैं लड़कियों के कॉलेज गई लड़के हैं अपना कहीं दफ्तर में किसी एक बंदे से सलाम दुआ हुई आपको अच्छा लगा आपके मिजाज मिले तो आप लोगों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली घरों में आना जाना शुरू हो गया बीवियों को मिलवाया बच्चों को मिलाया माँ बाप मिले तो ये फैमिली दूसरी फैमिली से आशना हो गई फिर आप खदावतें कर रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं तो आप लोग आशना तब जो होते हैं उन जैसा महबूब जैसा एक रवैया आपका रहता है अब वो चीज डायरेक्ट दर दर जाके आप नहीं कर सकते हो अब यूट्यूब या सोशल मीडिया ने बहुत सारे फेक चेहरों को भी बेनकाब किया वी आर नॉट ऑन बिगो लाइव टाइप कि आप जितना अच्छा हुसन बेचोगे या इंटरटेन करोगे आपको पैसा मिलेगा अल्लाह बचाए उस पैसे से बस जो जो कर रहा है हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे हमसे बात कर रहे हैं तो जिसकी जो रोटी है वो है हमारा एक फैमिली कनेक्शन है आप लोगों के साथ आप समझो ना समझो तसव्फ की जबान में जो रूहानी रिश्ते होते हैं ना जिनको आप रजाई रिश्ते कह लो परवरदिगार कहता है रोजे हशर माँ बाप बेटा बहन भाई कोई किसी को नहीं पहचानेगा फकीर कहता है फकत रजाई रिश्ते एक दूसरे को जानेंगे कौन रजाई ये जो आपका और हमारा एक रूहानी रिश्ता है लेकिन फिर एक टाइम आएगा जिसमें आप सब जानना शुरू कर दोगे क्योंकि जब हिसाब किताब होगा आपके पर्दे वहां भी अल्लाह रख रहा है लेकिन जब आपको बेनकाब करेगा तो फिर जिस जिसके देनदार हो गए वो दामन पकड़ेगा और कहेगा मैं वो हूं फिर आप मान भी नहीं सकते हो तो फिर आपके जिस्म का हर हिस्सा गवाही देगा आंखें कहेगी हाँ यही है यही है यही है तो फिर आप लोगों के बीच में जो भी फैसले होने हैं वो होने हैं इसलिए दुनिया में अगर किसी का कुछ बिगाड़ा है वो यहां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सका तो याद रखना वहां अल्लाह जामिन नहीं होगा नबी करीम सल्लाम आपके गुनाहों के लिए माफी मांगेंगे जो जहनु में जा रहे हैं तो जहनु में जाने से पहले एक खास जैसे होते हैं ना आपस में खड़े होते हैं एक दूसरे के सामने रेफरी ऐसे करता है तो जो कायनात का सबसे बड़ा रेफरी है ना जिसने आप लोगों का फैसला करना है वो परवर दिखा वो मेरा मालिक आपको कहेगा इसने तुम्हारा ये बिगाड़ा इसने तुम्हारा ये बिगाड़ा तुम दोनों सामने बोलो क्या चाहते हो आप कहोगे इसकी सारी नेकियां चाहिए ऐसे करके गगुल गुल्लक जो होती है ना उससे सारी नेकियां उसके दामन में आ गई उसका पलड़ा भारी हो गया दो तराजू पड़े तो अब आप कहोगे कि जिसके पास तो बिल्कुल सब नेकियां हमने तुम्हें दे दी हैं अब खुश हो अल्लाह ताला फिर भी आप ही से पूछेगा अभी खुश हो तो आप कहोगे नहीं परवरदिगार कहेगा आप और क्या चाहिए अब आप जो सजा मुकर्र कर रहे हो कैसे तकलीफ होनी चाहिए ये उतना ही दर्द सहे जो मैंने सहा या जो भी कुछ कहोगे तो वो फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदके वो छोड़ दे दें लेकिन आपके हिस्से में नकियाँ आ गई सो आपने अच्छे खासे कॉइन इकट्ठे कर लिए तो वहाँ पर भी बिट क्वाइन वाला ये नेकियों के बिट क्वाइंस चलते हैं अब आप सोचो कितना खतरनाक है भाई कि अगर आपने किसी की की हिब्बत और रोज़े हशर में अल्लाह ताला कहेगा इसने तुम्हारी हिब्बत की थी मैंने जब कहा कि अपने मुसलमान भाई का गोश्त खाना है तो ये इसने हब्बत की आपकी बैक पाइटिंग की तो अब आप समझ लो दुनिया में कुछ फकीर लोग हैं जिनको कोई गालियां दे रहे होते हैं तो वो बहुत शुक्रिया अदा करता है मैंने एक फकीर का वाक्य सुना है जिन्होंने नहीं सुना सुनो बहुत मजा आएगा आपको एक बुजुर्ग थे उनको किसी ने आके कहा कि आप अल्लाह वाले हो पूरी दुनिया आपके पाँव को आके कदम बोसी के लिए आती है आप तो मतलब अल्लाह के इतने प्यारे हो लेकिन फला महल्ले में एक आदमी रहता है वो अपनी बीवी के साथ हर वक्त बुराइयां करता है और जहां बैठता उठता है महल्ले में भी वो आपको गालियां देता है क्या करता है गालियां देता है खबासत बकता है आपने कहा ठीक है उसका वजीफा मुक्र कर दिया अब इतना बड़ा कलेजा किसके पास होता है यार उसका वजीफा मुक्र कर दिया उसके घर का राशन ये वो सब चीजें नेमतें आ वो फिर भी बुराइयां किए जा रहा है और हर महीने वजीफा जा रहा है हर महीने वजीफा जा रहा है टाइम गुजर गया काफी एक दिन वो बैठा खाना खा रहा और गालियां दे तो उसकी बीवी ने यह कहा क्या लानत है तुझ पर वो जिसका तू खा रहा है उसी को गालियां दे रहा है मतलब शर्म नहीं आती तुझे ये घर के सारे अखराजा तू तो करता ही कुछ नहीं उसने बीवी को कहा तू बात सही कहती है लेकिन मैं क्या करूं मैं आदत से मुझे चलो आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा उसने बुराइयां करना बंद कर दी अगले महीने वजीफा भी बंद हो गया वो आया बुजुर्ग के पास उसने कहा मैं सारी जिंदगी आपको बुरा भला कहता रहा हूं गालियां देता रहा हूं आप वजीफे देते रहे अब मैंने वजीफा मतलब वो बुराइयां करना बंद कर दी तो आपने मेरा वजीफा बंद कर दिया बुजुर्ग ने बड़े कमाल जुमला कहा क्या पहले तू मेरे लिए काम करता था मेरी बुराइयां करता था उसके बदले में मेरे गुनाह माफ होते थे मेरे अकाउंट में कुछ नेकियां बढ़ती थी क्योंकि तू बुराई कर रहा तू हिबत कर रहा अब तूने वो बंद कर दी तो किस चीज़ का मुआवजा तू तू अब मेरी मुलाजमत पे नहीं <laughs> समझ आ रही है आपको ये तो अल्लाह वाले हैं जिनकी बात कुछ और होती है तो जो आपको नोच रहे हैं खा रहे हैं तकलीफ दे रहे हैं ना तो ये आपके अकाउंट में पैसा भर रहे हैं जो यहाँ पे नजर नहीं आएगा लेकिन आएगा जरूर उम्मे सलमा टू हंड्रेड रुपीज़ इंडिया सेन भेजिए असल वालेकुम असलम थैंक यू फॉर योर गाइडनेंस इज़ दर एनी दुआ टू अवॉइड नेगेटिव पीपल और नेगेटिव थाट मुझे आ, लोग बहुत नेगेटिव बातें करते हैं परेशान करते हैं ओके उम्मे सलमां पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आपने आ, इंडिया से 200 सौ रुपया यहाँ पर चैट किया है अल्लाह ताली आपको ज़िंदगी दे खुशियाँ अता करे मैं आपको तीन तस्बियाँ बता रहा हूँ ये नेगेटिव वाली एक अलग चीज़ है इसके लिए एक अमल भी बता रहा हूँ आपको तीन रोज़ का ये अमल बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो नेगेटिव थाट बहुत आते हैं नेगेटिव अमल होते हैं आपको थ्री एक्स चाहिए तीन अंडे चाहिए कच्चे उनको उबालना नहीं है उनको तोड़ना नहीं है और तीन तस्बियाँ हैं रोजाना आप जब सुबह जागो जब भी जागो आपकी सुबह दोपहर में होती है या शाम में होती कोई फर्क नहीं पड़ता इसके लिए सूरज का ढलना वलना कोई माने नहीं रखता बस जब आप जागो सुबह जागते हो जागो तीन तस्बियां पढ़नी है आपने कोई भी चीज खाने से पहले पेस्ट कर लो बावजू हो जाओ सबसे पहले बैठ के तस्बियां पढ़नी तस्वीर क्या है वो लिखो सबसे पहले आपने तस्बी लिखनी है या मोई दो एक तस्वीर या मोई दो मीम एन ये दाल मोई दूसरी तस्वीर है या मुकदमो या मोई या मुकदमो लिख लो आराम से ताकि आपके लिए आसानी हो जाए या मुकदमो और तीसरी तस्वीर है या वकीलो आपकी कैसी हिफाजत होती है फिर आप देखना ये तीन तस्वीर आपने पढ़नी है पढ़ने के बाद आपने अपने गिरबान में मतलब हाथ पे फूंक के और अपने गिरबान में ऐसे मतलब गला जो है ये बोन जो है इसके नीचे ऐसे हाथ लगाना है और अपने चेहरे पे लगाना है अपने सर पे ऐसे लगा लेना पानी का गिलास जरूर रखना ताकि उस पर दम करो और पी लो उसके बाद वो जो अंडा है वो आपने सात दफ़ा सूर्य अखलास पढ़ने के बाद अपने ऊपर वारना है सात दफ़ा सूर्य अखलास पढ़नी है कैसे अंडा लेना है या रखना अगर कोई और घर में है उसको बोलो वो पढ़ ले आपकी रोजाना तीन दिन तक ये नज़र

ऐसे कर दो तो कोई और पढ़ा है तो आपकी आंखों पे दम कर देगा ख़त्म ये नेगेटिविटी ख़त्म उस अंडे को घर के बाहर कहीं भी रख दो जानवर कुत्ते बिल्ली कोई भी उसको खा ले उस पर कुछ नहीं पढ़ना बस वो सिर्फ वारना है और आपने रख देना थ्री डेज रेगुलर ये करोगे दिन हो या रात कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप देखो कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के सद के आपकी वो नेगेटिविटी कितनी जल्दी ख़त्म होगी और फिर कोशिश भी करना थोड़ा सा अपना जो लतीफ़ा है कल्ब है उसको रोशन करने के लिए वन ऑफ़ द बेस्ट थिंग जो आपको हदिया किया थैंक यू वेरी मच यहाँ पे ओके प्लीज़ मोर चैट जितने लोग आने वाले हैं उन लोगों के लिए uh, तो वसुल अहमद कह रहे हैं वर्गो का बता दे प्लीज़ 2021 का प्लीज़ जाके मेरी वीडियो देख लो 2021 कैसा गुजरेगा वर्गो का सब बताया हुआ भाई नवीद जमील कह रहे हैं सर प्लीज़ ये आंसर दे दो कि आने वाले दौर क्वाइंस का दौर होगा मतलब आज कल बहुत सी करेंसीज़ हैं बाय कर लो तो फ्यूचर बदल जाएगा आज कॉइन के प्राइस कम हैं कल ज्यादा होंगे एस एसट्रेस तो, नाइस गुड वेरी गुड सवाल नवीन जमीन देखो ये होते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए भी है वालेकुम सलाम अब्दुल रहमान रहीम आवा थैंक यू देखो जितने भी लोग देख रहे हो आप लोगों को अभी अभी मैं जवाब देता हूं जल्दी से मुख्तर दूंगा बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं देखो पहली चीज़ क्या है पहले जमाने में ट्रेडिंग क्या होती थी कि आप अगर किसी को दूध देते थे तो वह आपको चावल देता था जब दुनिया का आगाज हुआ था ट्रेडिंग ये होती थी ये ये करेंसी होती थी कि गुड़ के बदले में आप क्या ले सकते हो तो वह आपको आटा दे देता था फिर ये वक्त बदला फिर लोगों ने चीज के बदले चीज खत्म करके सोना जो गोल्ड होता है वो ले कि यार हमें गोल्ड चाहिए ठीक है अब ये गोल्ड की बड़ी कदीम करंसी मतलब सोना लोग इकट्ठा करते थे कि ये एक पोटली सोना दे के आपने अनाज खरीद लिया फिर ये होता गया लेकिन वो सोना दुनिया बड़ा मुश्किल से मिलता हर किसी के पास सक्सेस नहीं थी तो फिर लोहे के सिक्के जिसको वो एक ख़ास लोहार बनाया करते थे पहले मोरी वाला पैसा बड़ा मशहूर था जो सुराख वाला जिसका मोरी वाला पैसा पाकिस्तान में भी होता था तो सुराख वो गले में भी लोग एक चेन बना न, के ना धागा लेके ढेर सारे लटकाए होते थे गले में भी पहनते थे बूढ़ी औरतें बाजुओं के साथ ही अपने हज़ारबंद या थैली में भी डालती थी वो सुराख वाला ताकि गिर ना जाए तो वो अपने वो ट्रेडिंग करते तो पहले ज़माने में भी आज भी आप जाओ अजायब खानों में तो आप देखोगे कौन कौन से दौर के सिक्के फिर सिक्के जब चलना शुरू हुए उसके बाद पेपर करेंसी आ गई क्योंकि लोहा भी ज़ाहिर दुनिया से बड़ा कम हो रहा था उनको चाहिए था महंगा पड़ता था करेंसी आ गई जब चाइना ने कागज ईजाद किया तो फिर करेंसी आना शुरू हुई सुमैसियों ने भी नोट को ईजाद कर दिया अब तक आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया में वाहिद एक करंसी है जो नोट की चले जा रही है नोट का नेमुल बदल क्रेडिट कार्ड आ गया डेबिट कार्ड आ गया अब वो भी आप हर जगह लेकर नहीं चल सकते तो उसे स्मार्ट पे के नाम से आ गया क्या आप अपना सेल फोन उठाते हो मैं कहीं भी जाता हूं मेरी घड़ी में भी मेरे स्मार्टफोन में भी एप्पल पे है जो मैं मैं ही मैं मैं ही कोड हूँ उसका तो मैं ऐसे करके देखूंगा मेरा फोन खुलेगा ऐसे करेंगे मतलब कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है स्मार्ट पे स्मार्ट पे चल रहा सोना भी है, करंसी भी है स्मार्ट पे भी है, है, है।, है? रातों रात अमीर भी होते हो रातों रात नीचे भी जाते हो ये स्टॉक मार्केट जो स्टॉक एक्सचेंज होता है जो शेयर्स खरीदते हो इसकी एक और शक्ल है पर ये कौन है कहा है बिटकॉइन का खालिक कौन क्या पीछे जाते जाओ

जब ये शुरू हुआ था तो बहुत चीप था अब लोग अरबपति हो चुके हैं उससे जब वो अरबपति हुए ये जाहिर एक खास यहूदी लॉबी है जो उसको चला रही होती है जब वो अमीर हुए इसको देखा देखी पचास और करेंसीज और क्वाइंस जिसको आप कहते हो वो बन गए हैं बहुत सारे हैं अगर आप चाहोगे तो पूरा प्रोग्राम इस पर हम करेंगे कि कौन कौन से में फायदा है मैं तो वो भी आपको बता दूं किसमें फायदा उसको आप लेते हो आजकल क्या है कि सस्ते कुआन तीन डॉलर का चार डॉलर का पाँच डॉलर का जो एक कॉइन है अभी लोग ले रहे हैं अगर आप सब्र वाले हो आपके पास फर्ज करो कोई दस लाख है दस लाख वैसे कुछ भी नहीं होता लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं कि दस लाख है पाँच लाख है आप उसके कोइन खरीद लेते हो एक खास कोड्स होते हैं वो आपको दिए जाते हैं वो सिर्फ आपके पास वो गुम गए तो आप कंगाल हो गए वो कोड आपको तीन चार मुख्तलफ जगहों पे लिखने होते हैं अपनों को देने होते हैं कि खुदा न खास्ता अगर मैं मर गया तो ये कोड है भाई ये तुमने यूज़ uh, करने हैं तुम्हारे पास पैसा आएगा वो एक ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट होता है तो आपने दस लाख के क्वाइंस खरीद लिए फर्ज करो तो वो आपके पास आ गए अब आपके पास एक ऐप है आप किसी बंदे के जरिए ही खरीदोगे जो भी होते हैं जो उन्होंने ऑफिसज बनाए हुए हैं पैसा उनके जरिए जाएगा तो वो रोज़ ऐप स्टॉक मार्केट की तरह कि आज इसका रेट ये हो गया कल ये हो गया आप एक साल या दो साल के लिए रख के भूल जाओ वो दस लाख तो वो बढ़ेगा नीचे नहीं जाएगा लेकिन बहुत सारे जो नीचे चले जाते हैं फॉरन आपने तीन डॉलर का लिया वो एक पैनी का हो गया आप तो कंगाल हो गए लाख गए लेकिन ऐसा हुआ अभी तक नहीं है क्रिप्टो करेंसी में ऊपर जाते हैं कुछ खास जो मुस्त है चाहोगे तो मैं पांच क्रिप्टो करेंसीज के नाम आपको बताऊंगा बिटकॉइन के अलावा जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो तो फायदा होता है फिर क्या होता है कि साल डेढ़ साल बाद फर्ज करो आपने दस लाख लगाया है तो पचास लाख रुपए कमा सकते हो आप बगैर मेहनत के बगैर कहीं जाए बगैर कोई रिस्क लिए आप ही हो आप ही कंपनी हो तो नॉर्मली लोग इतना कमाते हैं यानी चालीस लाख प्रॉफिट दस लाख पे अगर आपने एक करोड़ लगा दिया आप सोचो तो पांच करोड़ आपको मिल रहा है दो साल के बाद तो ये इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर इसका है लेकिन बहुत अलग ट्रैक है कि किस में इन्वेस्ट करना है आपको बहुत सारे लोगों को देखना होता है अगर आप चाहोगे तो इसकी हेल्प कर सकते हैं हम ठीक है जी सर स्कॉर्पियो के लिए चार लकी कंट्री आपने बताई नहीं हमने सब बताया हुआ है वैसे 2021 में स्कॉर्पियो के लिए जो चार लकी कंट्री हैं सबसे पहले अरब जो भी हैं यूएई है जो भी अरब ममालिक उसमें स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत धन दौलत है दूसरे नंबर पे कनाडा है जो 93 परसेंट है ऑलमोस्ट स्कॉर्पियन कैनेडा के बाद चौथे तीसरे नंबर पर है यूके यूरोप क्योंकि वो एक पैटर्न में आता है यूरोप या यूके का कोई भी एक मुल्क चुन सकते हो और चौथे नंबर पे है साउथ अफ्रीका जहां पे आप जाते हो तो आपका रुपया पैसा बढ़ जाता है अब वो आप गए तो तुर्की जाना है कि नहीं जाना फला जाना वो एक अलग है वो परसेंटेज आती है तो स्कॉर्पियो के लिए एक कंट्री अच्छा सर करेंसी हलाल है बिल्कुल हलाल है शाजिया ये कोई गैम्बलिंग नहीं है स्टॉक मार्केट हलाल है कि हराम है हलाल है स्टॉक मार्केट में आप दस लाख रुपए लगाते हो शेयर के रेट ऊपर जा रहे हैं तो आपको पैसा मिल रहा है तो हराम होता तो हमारे हर मुल्क का गवर्नमेंट ये स्टॉक मार्केट ना खोलता ठीक है अच्छा एक चीज मैं आपको थोड़े से समझा दूं इसको बहुत सेंटी नहीं लेना बहुत मजहबी तौर पे मत चले जाना हल्की सी आपको सिर्फ आगे ही दे रहा हूं हराम हलाल के फर्क को समझो सूद क्या है सूद ये है कि आप किसी को कहते हो भाई बनिए जैसे करते हैं कि मैं तुम्हें एक लाख रुपया दे रहा हूं तो इसके बदले में मुझे डेढ़ लाख देना अब उसने ये पैसे दिए डेढ़ लाख लेने के लिए कोई और काम नहीं है क्योंकि उसने सूद लेने के लिए क्या दिस इज सूद अब जो बैंकों में आप जाके कह रहे हो ना बिला सूद फला फला वो सूद नहीं होता तो वो प्रॉफिट है चलो बैंक को थोड़ी देर के लिए छोड़ो आप मैं आपको कहता हूं यार मेरे साथ तुमने इन्वेस्टमेंट करनी है आप कहोगे ठीक है मेरे पास पचास लाख है मैं कहूंगा ओके गुड पचास लाख लगाते हैं और आप बोलोगे कि, कितने मुझे परसेंट मिलेंगे प्रॉफिट कितना होगा उसको प्रॉफिट कहते हो आप कि आप एक बिजनेस में लगा रहे हो यार मैं तो तुम्हारा स्लीपिंग पार्टनर हूं एक होता है आप दुकान पे बैठोगे आप भी नुकसान है या फायदा एक वो बिजनेस होता है एक होता है कि यार मैं तो वो नहीं हूं तू मुझे बता दे तेरी कितनी प्रॉफिट होगा आप कहेंगे यार ऐसा है तूने पचास लाख रुपए दिया है तो महीने के तुझे को तीस पैंतीस हजार रुपये दे दूंगा आप कहोगे चलो ठीक है मेरे पैसे तो सेफ है आप कहोगे यार सेफ है जब चाहे तो तुझे वापस भी कर दूंगा अब आप उसको प्रॉफिट दे रहे हो दिस इज नॉट अ नाजायज दुनिया में सारे बिजनेस इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं आप करते हो प्राइज बॉन्ड लेते हो ना उस पर आपका हक तो नहीं है ना कि हजार दो हजार का प्राइस बॉन्ड लेते हो करोड़ निकल आता जब वो हलाल है ना इनाम ये सूद नहीं है कि आपने किसी को दिया सूद सूद एक अलग चीज है उसको समझने की कोशिश करना तो ये जितनी भी चीजें इनामी स्कीम्स इसमें आप हिस्सा लेते हो प्राइज बॉन्ड जो जायजा जो दुनिया में हो रहा है तो इसी तरह जब आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो ये इन्वेस्टमेंट है कि आपने इन्वेस्ट किया वो रेट ऊपर जाएगा डूब भी तो रहा है ना डूब गया तो फिर क्या हुआ ऐसा नहीं है तो बहुत सारे उलमा से जब आप पूछोगे तो वो कहते हैं अच्छा लास्ट वेगस में जाके खेलोगे तो वो हराम है वो क्या हराम है कि आपने पासा फेंका उस वक्त घूम रच हजार के बदले पचास हजार भी मिल सकता है वो जुआ है तो हर चीज को एक ही जैसा मत समझ लो जुआ अलग चीज होती है सूद अलग चीज होती है किसी का मर्डर करने के बाद जो पैसा मिल रहा है वो कत्ल के पैसे बहुत मेहनत करके लूटोगे कोई बैंक तो वो चोरी का पैसा है और आप अगर मजदूरी कर रहे हो तो वो मजदूरी का पैसा चाहे आप किसी एडवर्टाइजिंग कंपनी में हो वजीर आजम के मुशीर हो या प्रेसिडेंट हो आप मजदूरी कर रहे हो सब मजदूर हैं मेहनत कर रहे हैं आर्मी पुलिस फोर्स आम तो इस करेंसी को या किसी भी करेंसी को जहां बैंकों में लगाते हो सूद का लफ्ज डाल दिया हर बैंक ये कर रहा है आपके साथ तो सूद को थोड़ा समझाएंगे लेकिन ये कर सकते हो आप ठीक है फिर भी दिल मनने तो करो नहीं तो हो आज आजकल चाल करेंसी बहुत सस्ती क्या जी आज कल फोर सी फोर एल सी फोर करेंसी की बहुत सस्ती है आ, कौन कहता है कि फ्यूचर नहीं रहते बहुत हाई होगा तो क्या बाय करनी चाहिए नवीद जमील इसके लिए हम कल का एक प्रोग्राम रखते हैं स्पेशली हम पूरा का पूरा आप लोगों को इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करनी है जोड़िए एक साइन के हवाले से भी बता देते हैं और इस ऑनलाइन जो आप करेंसी की बात कर रहे हो क्रिप्टो करेंसी इसके बारे में बताते हैं कि कौन कौन से नंबर वन टू थ्री फोर हैं सिर्फ एक ही नहीं है तो आपको थोड़ा वेट करना है क्योंकि हर चीज सबके लिए हो तो कल का प्रोग्राम हम नवीद इसी तरह करेंगे एक दिन रुक जाओ फिर हो जाएगा ठीक है एनजाइटी डिप्रेशन आचारी कौन है क्रिप्टो करेंसी का नाम बता दें जो बेस्ट है तसवर तो अहमद कल हम इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं लेकिन एक बात यह याद रखना पहले एक ट्रायल बेसिस पे ये नहीं है कि जब मैंने जो फाइव बेस्ट करेंसीज हैं बिटकॉइन तो है ही है जब मैं बताऊंगा तो ये नहीं है कि आपने वही ले लेना आपने क्या करना है कि अपनी अमाउंट का एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो चला भी जाए तो नुकसान नहीं होता दस बीस तीस चालीस हजार रुपए पचास हजार रुपए पर लेकर देखना मैं सस्ती वाली बताऊंगा जो आप ले सकते हो और चार से पांच महीने या छह महीने मेरे कहने पर सब्र कर लेना आपने टारगेट दिया गया हमने फर्स्ट फैप को खरीदा छह महीने बाद हम जुलाई को देखेंगे इसका रेट तो तो आप रोजाना देखते जाओगे जो आपने अगर अगर वो 60 पे चला गया गया तब कि यार ये हम ज़्यादा ले लेते और अगर नीचे गया तो नुकसान नहीं होगा वो मतलब वो बिकते जरूर हैं मतलब जीरो पे नहीं आ जाएगी लेकिन कंपनियां जिनके बारे में कहा जाता है तो वो ऑनलाइन इंटरनेट की कंपनियां बना रहे हैं वो लोग भी पैसा कमा रहे हैं वो इंटरनेट की कंपनी आप ही के पैसों से वो बड़ी बड़ी कंपनियां बना रहे हैं और आप उसके शेयर होल्डर हो गए हो करेंसी इस तरह काम करती है ठीक है तो कल हम इस पर बताते हैं कौन कौन सा फायदा सर हम जो बैंक अकाउंट में और नेशनल सेविंग सेंटर में पैसे जमा कराते हैं और मंथली प्रॉफिट मिलता है वो जायज़ है बिल्कुल जायज़ है अमरनाथ बिल्कुल जायज़ है क्योंकि वो जो है बैंक आपसे जो वो शेयर करता है ना कि हम आपसे जो ले रहे हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे लगाएंगे उन्होंने अपना बिजनेस किया वो भी तो हलाल का ही बिजनेस कर रहे हैं ना वो कड़ा मरी बरूरी इन्वेस्टमेंट कर देने की शराब जा रही है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका प्रॉफिट का एक हिस्सा जिन्होंने वो बॉन्ड लिए हुए उनको देते हैं बिल्कुल हलाल हो आप अपने लमा से पूछो कुछ भी नहीं कहेंगे लव यू जॉब एज डॉक्टर राना हेलो सुमन <laughs> okay, सुमन आपका नाम इतना मिक्स करके आगे एम ओर एच भी लिखा हुआ थैंक यू इस हफ्ते यानी परसों डॉक्टर राणा का जो एपिसोड आने वाला है ओपनिंग मुझसे होगी जरूर देखना मुश्क ड्रामा बहुत अच्छा लगने वाला है आपको और प्लीज़ नीचे जाके लिख लेना जो भी आपको परफॉर्मेंस वगैरह जैसी भी लगती है बहुत अच्छा एपिसोड है और मेरा ये लास्ट एपिसोड होगा इसके बाद दो एपिसोड और होंगे उसमें भी आप देख लेना और कल ही के दिन यानी हफ्ता एतवार और पीर फरियाद ड्रामा वो भी आप देखते हो ए आर वाई डिजिटल पर लगता है और यूट्यूब पे भी आप उसको देख सकते हो और मेरा जो कमिंग सून सीरियल है उसकी डेट अभी फाइनल नहीं हो रही बिकॉज रमजान ये वो बहुत सारी चीज़ें बड़ा सीरियल है बहुत अच्छा रोल है मेरा उसमें अमानत उसका नाम है और बड़ी मेगा कास्ट पाकिस्तान के जितने सुपर स्टार्स हैं वो <laughs> सुपर स्टार की बात हो रही है तुम्हें उसमें बहुत मज़ेदार है उसमें थोड़ा मीटर सा आदमी है उसका रोल है बहुत अच्छा है जरा हाँ अच्छा जी ये हो गया आगे चलते हैं एक तो बहुत शुक्रिया फाइव पाउंड अभी आए हैं ताहिर साहब कैसे हैं सदका फर्द वर्गो नाइन्टी डेज फॉर फाइव मे को जो फाइव फेब को जो हो रहा है उसके लिए लुकिंग ग्रेट थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया सलामत रहिए है ताहिर भाई आप हमेशा से बड़े आ, चैट करते हो जितने भी हमारे प्यारे हैं अल्लाह कबूल करे मोहम्मद वाले मोहम्मद के सद के आपको नजरबद से बचाए आपके रिस्क में इजाफ़ा करें आपका सद का परवरदिगार कबूल करे और इसके बदले में बेहिसाब बेहिसब बफ़ पाउंड आपको अता करें और आपका कल का सूरज आपकी ज़िंदगी में खुशियों का तूफ़ान ले आए मोहम्मद वाले मोहम्मद के के अल्लाह आपको कभी किसी कमीने का मोहताज न करे वन थाउजेंड रुपीज़ तैयबा बेगम फ्राम इंडिया आ, ताहरा के बेबी का सदका ताहरा जी के बेबी का सदका ही ताहरा जी आपके बच्चे का सदका कबूल हो परवरदिगार बीमारियों से बचाए जच्चा बच्चा दोनों जो भी माँ बेटे हैं उनको आ, बहुत ज़िंदगी दे खुशियाँ अता करे कभी आपको दुख ना दे उन आपका साया जो आपकी बेटी का साया आप एक एक दूसरे के साथ जुड़े रहें आपका साया बेटी पे यानी ताहरा पे ताहरा का साया अपनी बेबी पे और बेबी जो है अपना हमेशा वफ़ादार रहे मोहम्मद वाल मोहम्मद के सद के अल्लाह आपको बेहिसाब अता करे जो आपने दिया है दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ आपके दामन में डाल दें सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ करें थैंक यू फॉर द वन थाउजेंड रुपीज़ तय्यबा फ्राम इंडिया हिंदुस्तान से हमारे प्यारे जब चैट करते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि मोहब्बतों की कोई सीमा नहीं होती है बॉर्डर नहीं होता है हम लोग दिलों में कु डाल के बैठे होते हैं जो जैसा होता है उसको वैसा मिल जाता है एक ड्राइवर है ना किसी मुल्क जाएगा उसको ड्राइवर मिल ही जाएंगे तो शिकरे को शक्कर कहाँ से मिलती है <laughs> कहने की जरूरत नहीं है आप हम हो हम आप हैं हम सब समंदर हैं पानी है पानी से पानी को जुदा करना बड़ा मुश्किल है फिर पहचान करना तो अल्लाह सलामत रखे आप सबको जो सुपर चैट करते हैं एस वी गारमेंट्स कह रहे हैं सदका अली पाकिस्तान हाय सादिक अली साहब कैसे हैं नूरुल एंड रज़ा रिजवी राजा हैदर साहब कोई वजीफ़ा ज़रूर बताए करें शादी के लिए रिस्क के लिए देख मैं बहुत सारी वीडियोज़ हैं रिजवी जी मेरे चैनल पे जाओ बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करो तो वहाँ पे शादी के लिए मनपसंद शादी के लिए वो वजीफे भी हैं रिस्क के लिए भी है तो कुरान की कुछ आयतें उनको कैसे आपने पढ़ना है वो प्लीज़ ज़रूर देख लो बहुत सारे वजीफ़े मैं तो हमाल भी बताता रहता हूँ शो को लाइक करें थैंक यू रूबी फातिमा अच्छा सिमी मैम का कोई मैसेज अभी तक मुझे नहीं आ रहा है बिकॉज हम वेटिंग के उनका शो शुरू हो जाए मुझे कहीं से कोई मैसेज आए तो हम इस शो को बिल्कुल ख़त्म कर दें और अच्छा जी और यह है डन ओके और तबीयत थोड़ी नासाज़ है जाहिर है मेरे साहबजादे का मैसेज इसमें पड़ा है तो वो अभी ठीक हो जाएंगी मैं इन शास शो करेंगी ज़रूर हो फॉर द बेस्ट और ज़रूर करेंगे अच्छा एस के अबुल हसन ओके कह रहे हैं इरमनाज कह रही है ख़्वाब है मृदया लंबी उम्र की अलात है जी अभी ऐसा नहीं है आपकी किसी जगह पे ट्रैवलिंग की अलात मानी जाती है आप लोगों की बीमारियों से शिफा मिलने की अलामत है मुख्तलिफी होती हैं इसकी तो ये अच्छा है ज़रूरी नहीं है लेकिन डिपेंड करता है कि वो क्या है वो अपने हैं अनजान हैं एक होता है ना मुर्दा अपना अच्छी हालत में बुरी हालत में है उनके सदकार देने आपने नहीं देने तो पूरा ख्वाब लिखा करो सिर्फ मैं वो वाला नहीं हूँ ख्वाब नामा बताने वाला कि ऊँट देखना क्या होता है कद्दू देखना पूरी पूरी आपने बतानी है कब देखा कैसे देखा पूरी डिटेल तब आपको ख्वाब की ताबीत दी जाती है अच्मा लाइफ इज एन मूव ओके सेंस टू थाउजेंड थर्टीन एंड रिलेशनशिप नो वॉक आई एम डिप्रेस नाव ट्वेंटी फर्स्ट अच्छा इसके लिए तो फ़िजा जाहिद आपको प्राइवेट मीटिंग करनी होती है स्क्रीन पे चल रहा है ना द राजा हैदर एटमेट डॉट कॉम वेखोगी यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए प्राइवेट मीटिंग होगी तभी हम समझ पाते हैं uh, सद का सब के लिए uh, अल्लाह पाक सब खुश रखे और आबाद रखे फाइव पाउंड जैनब जी अली ने <coughs> इंग्लिस्तान यानी यूके से से सुपरचैट की है जैना बहुत शुक्रिया सलामत रहिए अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे अल्लाह आपको ज़िंदगी दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के सद के परवरदिगार आपको बेहिसाब खुशियां अता करे आपके और कबीरा गुनाहों को माफ़ करे और जितने भी अरमान हैं वो कल का सूरज निकलने से पहले ही पूरे कर दे और किसी कमीने का मोहताज न करे थैंक यू वेरी मच द प्यनो गाय थैंक यू नूरलैन रजा मरियम खटक कह रही हैं ख़्वाब में किसी चीज़ का या क्या ओ भागी गया खा किसी चीज़ का किधर गया चलो वो भागी गया आप दोबारा लिख देना प्लीज़ जिनका मैंने अभी नाम लिया है दी डीप कनेक्शन कह रहे हैं कैन यू प्लीज टेल मी द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक कैप्रिकॉन कनेक्शन मतलब मैं समझा नहीं है अच्छा कि वो जो है कि डिफरेंट और जो स्ट्रॉन्ग है वो कौन से कैप्रिकॉन है आप ये पूछना चाह रहे हो कैप्रिकॉन जितने भी हैं सबके सब बहुत स्ट्रोंग है देखो हर सितारा स्ट्रोंग होता है एक होती है हैरूज की तारीखों में पैदा होना और एक जवाल और जवाल क्या होता है इस्लामी तारीखों में जब चांद निकलता है पहली चांद से लेके चौदहवीं जब तक चांद बढ़ रहा होता है उसको उरूज की डेट कहते हैं एक एस्ट्रोलॉजी की अलग लैंग्वेज है लेकिन ये वाली बता रहा हूँ और एक होता है जवाल चांद जब नीचे जा रहा है तो उन तारीख किन तारीखों में पैदा हुए आप गूगल करोगे आप किस तारीख में पैदा हुए पता चल जाएगा उनके मिजाज पे थोड़ा बहुत जो फ़र्क आता है उसको वीक और आप स्ट्रॉन्ग कह सकते हो लेकिन पूरे के पूरे सितारों के साथ एक ही जैसी धूप निकलती है तो सबको शराब करेगी ना बारिश होगी सबको गीला करेगी अब किसी के पास छतरी है किसी के पास गाड़ी है कोई घर से ही नहीं निकला किसी को पता ही नहीं बारिश हो रही है वो अपने बेसमेंट में सोया लेकिन बारिश है अब उसका नसीब है कि वो उससे फैजियाब हो रहा है या नहीं हो रहा तो बाकी वो जो पर्सनल डेटा है जो आई रेटना या फिंगरप्रिंट या आपके नेम और डेट ऑफ बर्थ से हर बंदे की तकदीर अलग ट्विंस की भी मैच नहीं कर रही होती हैं कोई शादी हो जाती है तबाह हो जाता है किसी को खुशियाँ मिल रही होती हैं तो हर बंदे की अपनी अपनी ज़िंदगी है तो वो हिसाब किताब आपको करवाना है दाजा टॉट डॉट कॉम पर जाके जैनब अली थैंक यू थैंक यू फॉर द फास्टेस्ट फिंगर जुबरान काजी uh, सलाम कह रहे हैं एवरीवन को वालेकुम असलम ज़ुबरान माहम अली कह रही है हे hey, राजस् सर हम जमन आए और क्या कह रही हैं डिप्रेशन में रहते हो जमुनाए वाले डिप्रेशन में क्यों रहते हैं उनका स्ट्रेस लेवल अभी हाई है मैं मानता हूँ कि जमन आए वालों के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फोकस करना अभी मुश्किल हुआ हुआ है लेकिन ये अभी शुरू होने दें पाँच तारीख पाँच फरवरी तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगी माहम अली ठीक हो जाएगा ठीक है तो जमनाए वालों को सर सिर्फ ये दुआ कि कोई कमीने का मोहताज ना करे सच में ये सब के लिए हाँ यार देखो ये जो कमीने लोग होते हैं ना जो आपको दे के सारी जिंदगी जलील करते हैं अल्लाह उनकी मोहताजी से बचाए एक होते हैं दाएं हाथ से किसी की मदद करो आपके बाएं हाथ को भी पता ना आपका वजूद है यार आपको नहीं पता होगा कि आप कोई नेकी करने वाले हो लेकिन अल्लाह ने इतनी बारीकी से कहा कि अगर तुम दे रहे हो तो इस हाथ को नहीं पता हो कि इस हाथ ने क्या किया है समझ आ रही है अब एक कमीने हैं जिसने आपकी मदद कर ली आप मजबूर हो हेल्प ले ली जरूरी नहीं है पैसे की मदद होती है और बड़ी चीजें होती है अब वो पूरी जिंदगी आपको लोगों के सामने रुजवाए मैं मदद की थी वो मैंने किया वो मैंने तेरे लिए नहीं किया आपके साथ ऐसे कमीनों से बचाए वो अपना फकीर बना ले वो भिकारी बना दे खाना नहीं दे रहा ना दे वो हम उसके बंदे वो ना दे लेकिन कम अज कम अल्लाह ताना नहीं देता कि मैंने तुझे फला दिन रोटी दी थी अच्छा तूने आज नमाज नहीं पढ़ी चल नहीं देता अल्लाह नहीं करता ऐसा अल्लाह तो उनको भी दे रहा है जो नहीं मानते बल्कि उनको ज्यादा दे रहा है जो जो नहीं मान रहे वो उसकी तकसीम है ना यार हमें पता ही नहीं कि उसके क्या क्या डीप सीक्रेट्स हैं अल्लाह ताला कैसे कैसे इस दुनिया को चला रहा है ये एग वाला हर कोई कर सकता है बिल्कुल नवीद हर कोई कर सकता है थैंक यू सर ट्रू सर जी बिल्कुल लिब्रा इट्स कैसी क्या लिब्रा क्या फील कैसी रहेगी मुझे नहीं समझ आया क्या क्या कुछ लिखो तो सही एस्ट्रोनॉट थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर द फास्ट फिंगर बहुत शुक्रिया फास्ट फिंगर के लिए वो मुझे पता है कि आपको मेरे मिजाज का पता वो बच्चा रोता है ना माएँ फीडर लेकर आती हैं दूध देती हैं उनको पता है कब हमारे बच्चे को भूख लगी तो ये जो ब्लू टीम है हमारा खान गैंग ये बड़े लाजवाब लोग हैं इनके लिए मैं हमेशा शुक्रिया का लफ्ज़ कहता हूँ बड़ा छोटा है ये अपनी आराम और मोहब्बत छोड़ के ये शेख रूफ भाई है रूबी फातमा है हमारा खान गैंग लीडर हैं की और ये शफरीन है ना देली सब 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 लोग ये बहुत अच्छा काम करते हैं मतलब हमें पता भी नहीं होता और ये कर रहे हैं हालांकि शो इनको भी इंजॉय करने का हक़ है लेकिन ये वो फरिश्ते हैं जिनको अल्लाह ताला ख़ास मुकर करता है कि जाओ तुम्हारा ये काम है और ये क्या नैकियाँ कमा रहे हैं इनको ख़ुद भी नहीं पता है उसके बदले में अल्लाह ताला इनको क्या देगा कल्ब का सुकून देना बड़ा ज़रूरी है और दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ दे दे प्लीज़ कोई ऐसा मैसेज नहीं करो साइबर क्राइम में रिपोर्ट होती है जो एक दफ़ा डिलीट हो जाए उसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है हाय दिल चीर दिया इस बात ने बहुत लोग ये महक फातमा कह रही है बहुत लोग दे के जलील करते हैं कभी कभी आ, हक भी भीख की तरह मिलता है वहाँ कमीने लोगों को पता लगता है कि वो आ, राजिक बनने की कोशिश कर रहे होते हैं मैक फातमा देखो बहुत अच्छा बिल्कुल सही कहा आपने एक चीज होती है आ, ये कौन है <laughs> इरम विकार आपने फाइव पाउंड भेजे हैं और यू आर नंबर वन यार इतना मजे के स्टिकर यू आर नंबर वन इरम आप, आपका बहुत शुक्रिया अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे आपके दिल के सारे ख्वाहिशात जितनी अरमान है वो पूरा करे कल का सूरज निकलते ही सकीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करे आपके बुजुर्गों को जवार रहमत में जवार आयमों में जगह दे और आपको दुनिया और आख़रत की तमाम तमाम जहानों की नियमतें अता करे वो सखी है वो बादशाह वो जिसको चाहे रातों रात कमीने को मोतबर इज़्ज़त वाला बना दे और इज़्ज़त वाले को जलील कर दे वो फ़कीर को शहनशाह और शहनशाह को फ़कीर कर दे तो आप, आप अमर हो थैंक यू वेरी मच फॉर द सुपर स्टिकर बहुत मजे का ये खातून जैसे आँख मारी अच्छी चीज़ इसमें ये लगी बाकी सबू यही बच देगा कुछ नहीं सी भी नहीं देख रही ना तो जती हब्बी ये क्या बातें कर रहे हो उसको चिढ़ाने का बहुत मज़ा आता है लाइव शो में भी तो मेरी कोशिश ये होती है कि कोई ऐसी बात करूं जिस पर वो लेकिन वो चिड़ती कम है मारती ज्यादा <laughs> आपने कभी बीवियों से मार खाई है पहले मैं कहता थी ये कौन से मियाँ होते हैं जो बीवियों से मार खाते वो ये मियाँ होते हैं जो बीवियों भी से मार खाते कहेंगे यार ये कैसे हो सकता है ये कैसे हो सकता है इतना लंबा आदमी और मार खाता नहीं नहीं मार नहीं है कुछ होती है हाथों की मार वो जब आपको पड़ती है ना तो थोड़ी देर के लिए आपका जिसम उफ करता है मार, मार। सहलाते हो तो ठीक होता होता है लफ्सों की मार वो अल्लाह बचा मैं सिमी की बात नहीं कर रहा मैं जर्नल एक बात कर रहा हूं कि वो जो लफ्ज है ना उसका घाव इतना गहरा होता है कि वो सिर्फ दिल तक नहीं वो रूह तक को चीर के चला जाता है प्लीज संभाल के रखा करो अपने अल्फाज को गलत बात नहीं किया करो रिश्तों में कभी कभी याद अच्छा तूने उन्हें मुझे गा, गाली गलोच माँ बहन की गाली जो है ना खुदा की कसम मैंने बड़े बड़े रिश्तों को फना होते देखा है जबकि उस गाली से होता कुछ भी नहीं है आप अगर किसी की माँ को गाली दे रहे हो बहन गई ये तेरी ऐसे की आप अपना कलेजा ठंडा कर रहे हो मैं ये कर दूंगा खलीज लैंग्वेज जिसको कहते हैं अल्लाह ने मना किया वो शैतान की फेवरेट लैंग्वेज है उससे घर तबाह होते हैं तो गुस्से में जब आप होते हो तो आपको पता नहीं होता सब पता होता लेकिन आप उस वक्त सोचना नहीं चाहते यार आपको ये पता है कि कौन सी गाली देनी है कौन सी नहीं देनी गुस्से में भी आप इतने होश में तो होते हो कि आप किस जगह मारो और किस जगह ना मारो गुस्सा वो तो पागल हो जाता वो खुद आप पागल हुआ आप एक्टिंग कर रहे हो मेरा बच्चा हाई हाई गुस्सा बहुत करता है पागल है वो जानबूझ के फिर पागल होता जाएगा और माए कहती हैं हाँ, ये मेरा बच्चा ये बच्ची सबर वाली है वो सारी जिंदगी साबरा रहेगी तो आप अपनी खुद ही वो चीजें बना रहे होते और नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जनर की बेस्ट कंट्री ये बताएंगे कल कल के प्रोग्राम में बताएँगे वैसे कैंसर वाले आप लोग 2021 में हैं uh, जुनैर अगर कंट्रीज़ की बात कर रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न सिडनी कहीं भी किसी भी सिटी में जाना चाहो ऑस्ट्रेलिया नंबर वन पे है क्योंकि 97 परसेंट है uh, दूसरा कैंसरियन uh, वालों के लिए यू एंड uh, जो कैनेडा है ये नंबर टू पर है अगर आप वहाँ जा सकते हो तो ये वो है फिर है टोक्यो जापान जापान के मुख्त जो भी जगह हैं ये आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है और उसके बाद है सिर्फ यू के यूरोप यूरप पहले टाइमिंग दोनों की ये की है लेकिन सिर्फ यू के नॉर्थ यूरप और लास्ट पे है जो फिफ्टी फोर परसेंट है वो है अरब एमरेट्स जितनी भी होती हैं दुबई रसुलैमा शारजा तो आप कहीं भी जा सकते हो अमु कैसी हो आ, ये किसको कह रही अमारा हमारा खान द गैंग लीडर अमारा खान देखो कोई है या नहीं है अम, इसके लिए तो तालियां बनती हैं अमारा खान गैंग लीडर क्योंकि ये पूरे गैंग को चला रही है वो खुद ही नहीं होती ये हमारी गैंग लीडर और अमारा खान कैसे हो तुम मौसम कैसा है मारा अच्छा आ, नायर अब्बास कह रहे हैं लिब्रा है। अच्छा यहाँ डेट ऑफ तो बर्थ ना लिखो उसके लिए प्राइवेट मीटिंग करनी है आपको बर्ड को आजाद करने का आप बताते हैं कुछ बर्ड मोस्टली बर्ड आजाद होने पर मर जाती हैं भूखे या शिकार हो जाते हैं ओके अच्छा सवाल है बहुत अच्छा सवाल है इसका जवाब सुनो देखो कोई भी दुनिया में जब जानवर या परिंदा पैदा होता है तो वो किसी ना किसी का लुकमा ज़रूर होता है ये अल्लाह भी तो जानता है ना तो अल्लाह जालिम नहीं है अल्लाह खुराक देता है उनको अकल नहीं देता जानवरों को इंसानों को क्या देता है अकल भी देता है और आपको शूर भी देता है इंसान इंसान को नहीं खा सकता है ना लेकिन खादे ना लोग अब जब आप कहते हो परिंदों को भूख लगेगी तो वो मर जाएंगे वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है वो जिस पिंजरे में है आपको क्या ख्याल है उसको खाना प्रॉपर मिलता है

स्टेप वन स्टेप टू उसी कमरे में बहुत सारी चीजें लगा दो उसके अंदर दुनिया की हर नेमत लगा दो और फिर थोड़ा सा खाना दिया जा रहा है अब आपको यार नेमत भी है ऐसी भी है सब कुछ है ये मेरे लिए बेहतर लेकिन उससे बाहर नहीं निकलना ना कहीं जाना है ना कहीं आना वो ज्यादा बेहतर है या फिर एक छोटी सी झोंपड़ी है मिट्टी की दीवारें हैं जिस पे येलो रंग का डिप्रेशन वाला बल्ब टंगा है और आप जब दिल करे बारिश में भीग रहे हो सूरज है तो सूरज देख रहे हो कहीं से मूली लेकर छील रहे हो उसको काट के ऊपर मसाला डाल के खा रहे हो ये वाली लाइफ पसंद है जो बखील होंगे वो कहेंगे वो लग्जरी लाइफ हमें बस थोड़ा सा खाना और एक कमरा मिल जाए लेकिन ये कमरे नहीं है एक पिंजरा है छोटा सा जिसमें परिंदे इकट्ठे करके डाले हुए हैं समझ रहे हो आप आपकी जिम्मेदारी नहीं है वो किसी ना किसी की खुराक बनेंगे अब वो अगर चिड़िया है तो उस दिन शाहीन या बाज या उकाब घर से निकलते हुए हम दो स सारे परिंदे जानवर दरख्त सभी करते हैं आप देखो ना शब माज शब कदर इबादतें अगर आप देख लो दरख्त झुके हुए होते हैं इबादतें सब करते हैं जानदार हैं जो भी शाहीन रो रो के दुआ कर रहा है परवर दिगार अगर आज कोई शिकार ना मिला तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे शेर रोज आना घर से निकलते हुए ये दुआ करता है मालिक भूखा ना मारना मेरे बच्चे हैं मेरी बीवी है मैं भूखा मर जाऊंगा और हिरन भी रोज ये दुआ करता है कि परवर मेरे बच्चों में से कोई खाया ना जाए मैं भूखी हूं लेकिन मैं जा रही हूं अब क्या होगा हिरन घास खा रही है बच्चों को दूध पिला रही है शेर ने उस पर हमला किया जालिम कौन हुआ वो तो उसकी नेचर है मैं दिखने में लगे आए हाय ये तो घर से निकली थी बच्चों को कह के उसके बच्चे कैसे फलेंगे अल्लाह की जिम्मेदारी आपकी नहीं पूरी दुनिया को पूरा नहीं कर सकते हो तो परिंदों को आजाद कराना आपकी जिम्मेदारी है गुलामों को आजाद कराना आपकी जिम्मेदारी है वो भूखे रहे उनको कोई और शिकार कर ले आपकी जिम्मेदारी नहीं ये वही बात है कि आप सदा देते हो आप कहते हो पता नहीं यार वो जाके याशी ना कर ले लो वो आपका काम हो गया अब वो जो करे वो उसका और अल्लाह का मामला सो परिंदों के बारे में ये कहना बिल्कुल आजादी आजादी बहुत बड़ी नेमत है पूछो कश्मीर वालों से पूछो उन लोगों से जो बड़े मुश्किल से जिंदगी में आजाद वतन से निकले अफ्रीका आप देखो ना वहां पे नेल्सन मंडेला साहब ना आते तो वहां पे क्या था सारी जिंदगी अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ते हुए आप तो उसमें भी आता है कि स्लेवरी जो थी पहले जो ब्लैक अमेरिकन है ये क्या होता था इनको लाया जाता था अफ्रीका से और ग़ुलाम बनाया जाता था अभी भी है अरब ममालिक में और प्लीज़ यार ये डेट ऑफ बर्थ क्यों लिख रहे हो बार बार मुझे नहीं समझ आ रही राहल खान आपको कुछ चालीस हज़ार दफ़ा आस्ट्रोनाट ने टाइम आउट किया है यार मैं तो नहीं बताता नहीं यार डेट ऑफ बर्थ आप लिख रहे हो आपको टाइम आउट करके पता है सब लोग साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर रहे हैं आपको अंदाजा नहीं है कि इसका आगे आपको क्या नुकसान होने वाला है साइबर क्राइम कानूनी तौर पे आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती मत लिखो डेट ऑफ बर्थ या सर तो वजीफा फॉर क्या है जी इन स्पेशली आ, तो अच्छा है, आपको फाइनेंशियल लिए चाहिए नैयर अब्बास साहब एक वजीफा आपको बता रहा हूं वो लोग जो चाहते हैं नफा हो उनको कामयाबियां हो उनको बड़े फायदे हों उसके लिए चार तस्बिया हैं इन तस्बियों को आप बुध जुमेरात और जुमे को पढ़ सकते हो वेनसडे थर्सडे एंड फ्राइडे सुबह नौ बजे से लेके रात नौ बजे तक का टाइम है नाइन टू नाइन इसका टाइम होता है नौ बजे के बाद भी नहीं पढ़ सकते हो रात को और सुबह नौ से पहले भी नहीं पढ़ सकते हो जब आप बुढ़ो नौ बजे के बाद पढ़ लो किसी भी नमाज में तो फजर पढ़ ली उसके बाद छोड़ दो फिर जोहर असर मगरब और ईशा इन चारों नमाजों के दरम्यान में आपको पढ़ना कभी भी पढ़ सकते हो चार तस्वियों में सबसे पहली जो एक तस्वीर है जिसपे दो इसमाय मुबारक पढ़ने हैं या गनी या नाफे एक तस्वीर यानी हंड्रेड वाली होती है या गनी हो या नाफिओ एक, एक दाना या गनी ओ या नाफ़े हो दूसरा दाना ये पूरा रहमान रहीम तीन बार दरूर शरीफ पढ़ना है सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद और आपने पूरी तस्वीर पढ़नी है दूसरी तस्वीर आप लिख लो या बासित या अलिओ या बासित या अलियो यह दूसरी तस्वीर है यह आपने पढ़ लेनी तीसरी तस्बी सिर्फ अलहमद पूरी आयत सूरह फातिया नहीं पढ़नी अलहमदुल्लाम्ला पूरी या। ये एक हंड्रेड की तस्बी पढ़नी बस ये अलहमदुल्ला वाली सिंगल पढ़नी है आपने। इसके आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है पानी पर दम करके पी लो शरबत चाय वैसे ही गिरबान में फूक दिया करो कोशिश करो कि ये कल हो अब तो जाहिर नौ बजे चले गए ना कल ये करो चौबीस घंटे में इसका क्या रिजल्ट मिलता है आपके सुलझ काम कैसे सुलझते हैं पैसे कहाँ से आ रहे हैं डील्स कैसे हो रही हैं एवरी जिसका भी ताल्लुक रोज़गार से है आपके नेम एंड फेम से है उसका मिलेगा ठीक है ना ये रबास साहब ओके जी हमारा खान थैंक यू वंस अगेन आपकी पूरी टीम और आपके लिए और आई कांट चैट सुट पाकिस्तान बिकॉज माई वीज़ा कार्ड इज़ नॉट वर्किंग थॉट वी पी एन ओके मिस्टर आप मुझे ईजी पैसा कर दो uh, अगर आप पाकिस्तान में हो तो इजी पैसा या बैंक के ज़रिए आप डिपॉजिट करवा सकते हो तो ईमेल कर दो दाजा हैदर एट हॉटमेल डॉट कॉम पर जाके और बाकी भी मामला हम देख लेते हैं शो खत्म करते हैं जी आ, टेन मिनट के अंदर अंदर बल्कि फाइव मिनट के अंदर क्योंकि आप सिमी मैम का शो होगा सिमी मैम कौन है आपको अगर नहीं पता तो स्क्रीन पर देखो और आपको इनकी आई डी को फाइनल करना है ये कौन है सिमी मैम सिमी इस किचन पे आपको जाना है अभी बहुत ही शानदार शो आपका मुंतजर है और बहुत जबरदस्त शो होने वाला है थैंक यू आप लोगों का ड्रामाए का इंतजार है सुल्ताना हानि गैरिया एम राहिला है राहिला जी बहुत शुक्रिया हाँ मुश्क ड्रामा सैटरडे को लगेगा फरियाद कल लगेगा लेकिन मुश्क्रामा किसी और लेवल का होगा ये जितनी भी एपिसोड आपने अब तक मुश्किल देखी है ये सब पे भारी होगी क्योंकि इसमें बहुत एक्शन बहुत जबरदस्त बहुत परफॉर्मेंस सबकी की परफॉर्मेंस आसमान की बुलंदियों पे आपको मिलेगी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है ठीक है और रईस खान सलाम कह रहे हैं सर ब्लैक मैजिक से कैसे बचा जाए उसकी रिमूविंग की जाए अगर नहीं है तो उसके लिए बहुत सारी मैंने चीज़ें बताई हुई हैं आयतें बताई हैं बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर हम डिस्कस कर सकते हैं और सबसे अच्छी चीज़ है इसकी हिसारबंदी हिसारबंदी हर बंदे को कराना ज़रूरी है सिर्फ़ उसमें मैजिक की हिसारबंदी नहीं होती उसमें हादसा बड़ी बीमारियां एक्सीडेंट बम बारूद गोली जो भी नुकसान होता है फ़ाइनेंस नीचे जा रहा है हर चीज़ रिलेशनशिप उसमें एक हिसार बंदी होती है सबकी एक पढ़ाई होती है तो वो टू डेज़ आलमोस्ट लगते हैं उसमें कुछ नक्श मैं तैयार करता हूँ कुछ चीज़ें मेरे वालिद साहब तैयार करते हैं तो हम लोग मिल के उस कोम्बो को आप तक पहुँचाते हैं जो कुरान की आयतें और सब चीज़ें होती हैं तो वह नक्शतावीज़ात हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब लेटेस्ट फॉर्म में भी मैं उसको डिज़ाइन करता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ना जैसे पहले आप तावीज़ वगैरह गले में पहनते हो तो सबको पता है इसने तावीज़ पहना है हिसार होगा या नज़र के लिए या जो भी है तो अब वो तो होता ही होता है वो आप ज़रूरी नहीं है कि गले में पहनो आपके और बहुत सारी चीज़ें होती हैं बाजू पर बांध लेते हैं लोग कमर के साथ बांध लेते हैं हैंड बैग में रख लेते हैं उसका लेटेस्ट फॉर्म है रिंग्स लॉकेट तस्बीहाँ और बहुत सारी चीज़ों में कि जिसको आप पहनते हो काम वही होता उसके लिए ख़ास आप अमल होते हैं कैसे लिक्विड पे दम करना है उन चीज़ों पे पढ़ाई में क्या क्या करना है जाफ़रान का इस्तेमाल कब है कस्तूरी अंबर का इस्तेमाल कब है वो जब प्रोडक्ट आपको मिलती है, वो एक आम सी चीज़ है लेकिन उसमें कितनी ताकतें हैं क्योंकि तो अब वो तावीज़ नहीं लगता तो आप सेफ़ होते हो तो इसार बंदी है उसका एक मेन चीज़ ठीक हो गया अच्छा थैंक यू वेरी मच लेडीज़ जेंटोमैन दिल अभी बहुत सारे सवालों का जवाब देना है कल हम एक और सेशन रखते हैं जिसमें हम आप लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे आ, सवालों के जवाब देंगे और कल है फ्राइडे वैसे तो कल हमारा होता है हॉर्स्कोप का आ, वीक लेकिन हम कल उसको नहीं करेंगे हम सैटरडे को कर लेंगे अगर आप चाहेंगे तो और हाउ टू हैव सार बंदी आप मुझसे रबता कर सकते हैं सारबंदी के लिए जी स्क्रीन पे लिखा है द राजा हैदर एट हॉटमेल डॉट कॉम आप लोग आ, कर सकते हैं जी इस पर ई मेल मैं आपको उसका जवाब दूंगा मेरे पी एम मिस्टर शकील आप उनको कहें जी सारबंदी करानी है तो आपको बता देंगे कैटेगरी आप मुझ, मेरा नंबर होगा आपके पास आप मुझसे पूछ सकते हो मुझे ई मेल कर सकते हो तो उसकी तीन कैटेगरी हैं वन ईयर टू ईयर एंड पूरी ज़िंदगी के लिए जो आप चाहो वो कर सकते हो रिज़ अच्छा रिज़ आपने पूरा अपना नाम नहीं लिखा है तस्वीर बड़ी डैशिंग है और आपने एम ए बी पता नहीं आगे दो स्टार अक्सर ये गाली जब किसी को दे रहे हो तो ऐसा <laughs> लेकिन बीच में रिज मॉब है बस हम तो आपको मॉब ही कहेंगे जी मॉबस्टर तो नहीं है दिस वन फॉर राजा भाई एंड सीमी भाभी टू हैव अ कॉफी टुगेदर वर्किंग हार्ड फॉर ऑल ऑफ आस मच एप्रिशिएट पहले तो बहुत शुक्रिया uh, कि मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी में बड़े कम लोग ऐसे होते हैं जो मोहब्बत के लिए टोकन ऑफ लव आपको भेज रहे होते हैं तो ये हम आपको इनकी इस मोहब्बत का प्रूफ दिखाते हैं स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं ये देखिए है। इन्होंने एक सुपर चैट की है और ये लिखा है भाई जो है हमारे रिज रिज़ थैंक यू वेरी मच अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता करे अल्लाह आपको आ, किसी कमीने का मोहताज ना करे आपके रिस्क में इजाफा करे आपने टेन पाउंड भेजा है इसके बदले में टेन बिलियन पाउंड का मालिक अल्लाह बनाए दुनिया और आखिरत में आपके अकाउंट ही अकाउंट हो उसकी खुशियाँ अता करे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ करे Uh, मेरे और सिमी की कॉफ़ी के लिए भेजा डेफिनेटली uh, मैं ये जो आपके टेन पाउंड है इससे मैं और सिमी जाके कॉफ़ी ज़रूर पियेंगे और बस दिल से दुआएं थैंक यू ये पैसा वैसे तो उस काम के लिए जाता है जो वो है लेकिन मैं खुद अपनी जेब से टेन पाउंड लगा के सिमी सिमी देखो मैं कितना सखी हूँ <laughs> चौकुमरानों लेकर जाऊँगा वहाँ बैठ के दोनों चौकुमरानों और कॉफ़ी पियेंगे और हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं जब हम साथ होते हैं तो वो तो खाने पीने की शौकीन नहीं है लेकिन वो दिल रखने के लिए चलो उनको एहतमाम बहुत पसंद है कोई अगर हम कहीं जाएं प्लेट लें तो उनको इतनी इतनी मुन्नी मुन्नी दो दो चीज़ें डालनी है मुन्नी मुन्नी एक एक चम्मच समझ लो और वो भी नहीं खाने बस वो डेकोरेशन है बस ठीक है वो हल्का फुल्का सा खा लिया शायद इसीलिए वो फिट भी ज़्यादा हैं और दूसरा मेरा बेटा जो है वो भी ज़्यादा बहुत मतलब खाते हैं लेकिन वो एक ही टाइम पे बाकी तो दिन के सारे चोर होते हैं लेकिन मुझे आ, पसंद है फूड और मैं थोड़ा कंट्रोल इस वजह से करते हैं कि मेरा मीडिया वाला वो जो चक्कर है हमारा वेट देख के पेट निकल आया काम नहीं मिल रहा ये नहीं हो रहा तो जिम 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 एंड अगर आपने मेरी वीडियो देखी है अभी इंस्टाग्राम पे भी हमने पोस्ट की है कि किस तरह से हमने अपने सिक्स पैक बनाए <laughs> तो आप देखोगे बॉडी कैसे आपने अपनी फिट रखनी फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है थैंक यू थैंक यू बहुत शुक्रिया लेडीज़ जेंटलमैन आज की इस मोहब्बत के लिए अल्लाह ताला या चलो इनको बताओ कि कुछ बनती है पर सिमी हैदर के शो का क्या मकसद है यार ये तो बिल्कुल आपने गलत बात लिखी है प्रिंस जुमा सिमी का जो शो है वो मुझसे करोड़ गुना बेहतर शो है देखो हम क्या करते हैं प्रिंसेस उमैरा उमायमा। मसला क्या है कि आप अभी तक बनिया हो कि हम आपको कुछ चीज देंगे तो उसके बदले में आप हमें क्या देंगे मोहब्बत की कोई कीमत नहीं रिलैक्स होने की कोई कीमत नहीं वरना उनके सत्रह हजार सब्सक्राइबर ऐसे नहीं बन गए वो कुछ करती हैं वो उनको मैंने रोका हुआ है कि वो चीज़ें मत करो जैसे टैरो कार्ड रीडर हैं सिग्नेचर एक्सपर्ट हैं वो एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा पता ज़ाहिर है वो जब लर्न कर रही है ना हमारी एक फ़ैमिली है जब वो उनको नहीं पता था मेरे बेटे को सब कुछ पता है बचपन से ही सिखा रहे मेरे बाप ने मुझे बचपन से सिखा दिया मेरे दादा ने सिखा दिया तो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि कोर्सेज करो ये इसी को मदद करते हैं लेकिन हम रोकते हैं एक होती है मोहब्बत कि आप अपने लिविंग में बैठे हो सबसे गपशप लगा रहे हो डायलॉग्स बोल रहे हो सबको प्यार कर रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज अब जरूरी नहीं है कि मैं स्टार्स बताऊं देखो ना आज लोग नहीं है मैं ज्यादा एस्ट्रोलॉजी नहीं बता रहा हूं तो वो भी आप जैसे लोग हैं जो गिव एंड टेक में आते हैं कि चलो जी स्टार्स हैं तो हम ट्वेंटी के के ऊपर ले जाएं और हंड्रेड के और थाउजेंड के सब्सक्राइब एन लाइक्स और ये वो हम सिर्फ ऑर्गेनिक लोगों को जानते हैं जो मोहब्बत है मोहब्बत की वजह से मैं बैठ के इतनी देर आप लोगों के लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ तो आपने ये जो लिखा है कि उनकी तो समझ आती है इनकी तो समझ आती है इसलिए समझ आती है कि मैं आपको इतना सारा अपनी सारी चीज़ें नॉलेज और अपना टाइम कीमती दे रहा हूँ ये समझ आती है लेकिन आपको मोहब्बत की जबान जिस दिन समझ आ गई ना इनशाला आपको बहुत अच्छा लगेगा मुझे नहीं पता आप शादीशुदा हो कि नहीं हो आपके मियाँ घर में बिठा दो एक साल के लिए एक ही कमरे में निकलना मत उन्हें खाना भी वहीं देना मैं देखता हूँ महीना बड़ी दूर दी गल तुम तीन दिन भी नहीं गुजार सकते क्योंकि आपको पता है रोटी कमानी है सब कुछ करना है कहीं ना कहीं जाना होता है मोहब्बत से पेट नहीं भरता लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मियाँ जाते हैं वो पसीने में भरे हुए आते हैं कहते हैं आज भी खाना नहीं मिला और दस दस दिन तक उनको नौकरी नहीं मिलती मजदूर है ना हड्डियाँ तोड़ रहे हैं अपनी ईंटें तोड़ के खाना लाना उनको नहीं मिल रहा होता लेकिन उनकी बीवी उनके साथ चटनी में बहुत खुश होती है आप बुफे इतना अच्छा नहीं कर सकते जितना वो चटनी इंजॉय करते हैं और रात को वो पराठा लेकर बीवी के लिए जाता है कि यार ये आज पराठा ला मिलके खाते हैं उस पराठे की चाहत नहीं समझोगे ना यार नहीं समझोगे आप सिर्फ नाम की प्रिंसेस हो है ना मैं आपको टांटे नहीं मार रहा क्योंकि आपका नाम ना तो प्रिंसेस है ना ही आगे जो भी है बाबा की लाडली बाबा की जानी आप उस टाइप की एक फेक आईडी है बट इफ यू आर अ प्रिंसेस तो फिर आपको अपनी रियाया का भी उतना ही ख्याल रखना पड़ता है कि जितनी प्रिंसेस खदीजा रखती थी जिनके टुकड़ों पे पूरा अरब आज भी पल रहा है प्रिंसेस फातिमा रखती थी जिनकी हो आप सब लोग जो जन्नत में जाने नहीं देगी जो एक एक आंसू के बदले में एक एक मिलियन डॉलर आपके अकाउंट में जमा कराती जो जिसके खानवादा और औलादों के लिए बहते हैं प्रिंसेस का मतलब समझ लेना कभी नहीं लिखोगे ठीक है आमी सिमी सिमी यहाँ नज़र आई मुझे लाल इसको कहते हैं दिल से दिल को रहा राम हमने कहा और ब्रिज थैंक यू रिज का इन्होंने शुक्रिया किया है ब्रिज थैंक यू मैडम मैं भी हूँ <laughs> मैं भी हूँ मैडम <laughs> प्रिंस तो <था> वैसे भी <laughs> निकाली गई है क्योंकि ऐसी चीज़ें हमेशा बारिश के बाद में <laughs> ना दली मैं नहीं कह रहे यार अच्छी बच्ची है यार उसको क्यों ऐसे टाट पा रहे हो और <laughs> और कॉलेज मारिया खाब मारिया ख़त्म हो गए ख़्वाब अभी सीमी का शो है उसमें जाके आप ख्वाबों वाबों का डिस्कस करो और बहुत सारी चीज़ें होंगी थैंक यू थैंक यू बहुत शुक्रिया हमारे शो देखने के बाद नई बकवास करने के यार ये लड़की इतनी सख्त जबान बोल रही होती है महारा मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ और वो लिख रही है शो देखने के शो देखा नई बकवास करने आती हैं ये चोरी भी नहीं है ये छोड़ी जो, भी नहीं पता नहीं क्या लिखा है यार अच्छा जी अंगूठा क्या अंगूठी पहनना जरूरी होता है और उसमें कितने परसेंट फायदा होता है पत्थरों के सहरी खबास के बारे में हम कह चुके हैं कुरान में जब अल्लाह याकूत और मरजान की कसम खाता है तो पत्थर आप पहनते हो अंगूठी भी जरूरी नहीं है ब्रेसलेट में लॉकेट में किसी भी चीज में पहन सकते हो ज़्यादातर तो लोग कान में जैसे मैं हमेशा डायमंड्स कान में पहनता हूँ छिदा के तो वो अलग अलग एक डिटेल है बहुत सारे लोग नहीं पहनते हैं तो अंगूठी वो जो है वो आपके शहरी खवास होते हैं उसके उसके असरात होते हैं पत्थर पत्थरों से थेरेपी होती है पत्थर से बहुत कुछ लिया जाता है पत्थर पत्थर पर डिपेंड करता है आपने क्या पहना लेकिन गलत जोडी एक साइन के साथ गलत पत्थर आपको मरवा भी सकता है कभी कभी होता है ना नीलम किसी ऐसे ने पहन लिया जिसको सूट नहीं करता 24 घंटे में ज़मीन में धड़म इसीलिए डॉक्टर के मशवरे के बिना दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए तो जितने भी लोग हैं जो ज्योतिष जानते हैं उनको पता होगा कि इस मशवरे के बगैर आप काम इस्तेमाल नहीं कर सकते और लाइफ स्टाइल अच्छा जी लाइफ स्टाइल विथ सीमी दुनिया में एक ही लाइफ स्टाइल और मैं किसी लाइफ स्टाइल को नहीं मानता उस शो के ओके लेडीज जेंटलमैन थैंक यू गुड नाइट शब बखैर आप लोग सलामत रहिए आप लोगों ने इतना साथ दिया और इसके लिए दिल से निकलती हैं आप लोगों के लिए दुआएँ अभी बहुत ही ज़बरदस्ता शो आपका मुंतज़र है और हम लोग भी आपको यही कहेंगे कि आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें और प्यार मोहब्बत की ये ज़िंदगी है इसको कभी भी ख़त्म होने न दें हम तो आपके साथ रहते ही हैं आप भी कभी किसी के साथ रहने की कोशिश करो और कभी किसी के घर जाओ ये घर हैं सबके कभी भी किसी के घर जाओ तो उसके घर में जाके उसके खिलाफ बात मत करना कि जो YouTube या कोई भी सोशल मीडिया जाके किसी के खिलाफ कोई ऐसी बात मत लिखो वो बहुत सॉलिड किस्म की किक लगती है लेडीज मोहब्बत के लिए बहुत शुक्रिया आपकी चाहत के लिए बहुत शुक्रिया बहुत दिलगीर घड़ियां हैं मैं तुमको खोने वाला हूं तुम्हारे जब्त के किस्से तुम्हारे नाम लिखता हूं तुम्हारे आग से आंसू वफा के जाम लिखता हूं सुना है वो सभी राहें जहां से हम गुजरते थे हमें ही याद करती हैं, हमारी बात करती हैं। तुम्हारी हर अदा बाकी है यूं ख्वाबों के रंगों में चमा की याद बाकी हो झुलस जाते पतंगों में तुम्हें मालूम हो शायद के रोना नहीं आता तुम्हें खोना मुकद्दर है हमें खोना नहीं आता अगर इस बार आओ तो मेरी नींदे भी ले आना किन बेचैन आंखों को तो सोना अब नहीं आता अल्फाज में कोई खुशबू बात ये कल की लगती है एहसास में है वीरानी सी बात ये उनकी लगती है क्या तुम मेरी कुछ लगती हो हर सांस तुम्हारी लगती है हर आहट हो आवाज हो तुम संगीत को हो साज हो तुम तुम दूर उफ़क की लाली हो तुम शाम वफाओं वाली हो तुम मोज हो मस्त हवा हो शायद जंजीर हो सख्त जफा हो शायद कभी शाम ढले कभी चांद ना हो तुम पास मेरे ही सो जाना फिर जर्द सुबह की रौनक में वो याद लिए कहीं खो जाना और वक्त के सूखे पेड़ों तले मेरी आंखों की बेताबी को मेरी नींद की इस बेखाबी को तुम रात से भीगे सरधामा में पलकों पे एक बार सजाना और झाड़ के अपने दामन को बेनाम अदा में खो जाना तुम्हारी मुस्कुराहटे हैं रोशनी के काफिले तुम्हारी पारसाई जैसे एक गजल हो मीर की तुम्हारी बंदा परवरी तुम्हारी इक्की तुम्हारी सख्त बेरुखी तुम्हारी जाते बावफा मेरे हर एक ख्याल को बिसात को मज़ल को ये बेबसी की रात में है जिंदगी दिए हुए कहो तो इस तरह की राज की हिजाब की कलाइया में मोड़ दू जो तुम नहीं हो जावेदा कहूं तो वक्त तोड़ दू हमारे दरमिया के सारे फासले तुम्हारी मुस्कुराहटें रोशनी के काफले आप सबकी मुस्कुराहटें हमारे लिए रोशनी के काफले बस चाहत की इस उंगली को पकड़ के दूर जंगल में चलते जाना बेसोचो बेखतर कभी यह ख्याल अपने दिल में मत लाना कि इसका अंजाम यह इस मंजिल की एक खूबसूरत कहा है। प्यार, बहुत है। अभी नींद की देवियां आपकी पलकों को झुकाएंगी जिन जिन को नींद आई है उन्हें अपनी बाहों में लेकर झूला जुला झुलाएंगी अल्लाह करे कल का कर सूरज आपकी जिंदगी में खुशियों का तूफान आए शुभ रात्रि गुड नाइट